हेलो दोस्तों, कैसे हो यार? आज सब बढ़िया? कल का दिन कैसा रहा? मजा किया नहीं किया? हेलो शॉप के भी रुको यार, सबको नमस्ते बोल दो। हासिर भाई हेलो यार, क्रिजी गेमिंग नमस्ते बो, कैसा सबिन भाई? बेस्ट गेमर हेलो हेलो। तो रुको यार, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर आगे बताता हूँ क्या क्या हुआ। स्टॉम गेमिंग भाई जवाब दे दिया, सबिन भाई नमस्ते। तो कल रात को मैं एक्चुअली कल रात को नहीं, आज अर्ली मॉर्निंग में खेल रहा था, बहुत देर तक खेला। और जो है एक अलग जगह पे मैंने एक छोटा सा राफ्ट मेकिंग बनाने के लिए प्रयास किया है। राफ्ट मेकिंग बोले तो अपना जो राफ्ट जो शिप है ना वो बनाने का, ठीक है। तो उसके लिए जो जितने भी इंतजाम थे मैंने कर लिए, देखना अगर कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो रही है तो बताना मेरे को। थोड़ा सा लैग हो गए तो माफ़ करना यार गाइस, लैग का मुझे कुछ आइडिया नहीं चल रहा है क्या करना है। तो कल प्रगति भाई आए थे और दिक्कत क्या होगी कि लैग हो रहा है, बहुत गंदा लैग हो रहा है गेम में, कितना लैग तो बर्दाश्त कर लोगे यार तुम। तो मैंने यहाँ पे क्या है कि कहीं भी जा रहा हूँ ना, तो कहीं भी जा रहा हूँ तो मेरे को फोन नहीं मिल रहा है यार। लैंड सा हर जगह सला कैप्चर्ड है यार, हर जगह लैंड कैप्चर्ड है। तो मैंने एक छोटा सा, बहुत मुश्किल से एक छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा मिला है मेरे को यहाँ पे, तो ज़मीन का टुकड़ा है यहाँ पे जाके वो लैंड मिल गया मेरे को। तो मैंने यहाँ पे अपना सेटअप वटअप डाल दिया, मेरा चला था और क्या यार, यहाँ पे फ्री फंड का मेरे को फ्री के यहाँ पे तीन वो दिख रहा है पिग, तो रुको इधर पिग से मार के ना वो लेने को मेरे को हाइट तीन पिग, क्या बात है। फ्री का हाइट किसको अच्छा नहीं लगता, वरना चलो फ्री का हाइट ले लिया मैंने। कुछ खाने को ढूंढता यार, कुछ मिलेगा क्या खाने को भाई अपने पास है? तो एक छोटे से लैंड पे मैंने कोशिश किया कि मैं जो है क्या कुछ खाने को यार, कुछ भी नहीं है ये ना, खा ले भाई यही खा ले, वाटर भी नहीं है। रुको यार पहले ज़रा वो कर ले दो। हेलो सैम कैसे ब्रो? मैं एक्चुअली अभी क्या कर रहा हूँ ना, मैं अपने आप को ज़्यादा रिवाइव ना करके मैं जो है ना अपने आप को सुसाइड कर रहा हूँ आजकल। मैं ज़्यादा सुसाइड इसलिए कर रहा हूँ ना, सुसाइड से अभी मेरे को वो होता है, ठीक है यार थोड़ा थोड़ा सुसाइड से ना मेरा सब कुछ ना हेल्थ और सब कुछ आ जाता है। थोड़ा सा यार लैग हो रहा है पता है, अरे मेरा खुद सर में दर्द है। तो
वो कल मैंने बहुत सारी चीज़ अच्छा नेट बचा के रखा। थैंक यू यार यार, मेरे सर में खुद दर्द है इसीलिए मैं इतना मैं बहुत लेट से उठा हूँ, मन नहीं कर रहा था बिस्तर से बाहर निकलने। कल बबीती भाई भी आए थे लेकिन एज यूजल कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई तो पहले कि मैं मर जाऊँ मैं सारा फर निकाल लेता हूँ और ये जो है फर इधर डाल लेता हूँ। अभी क्या है ना, अपने को यहाँ पे एक राफ्ट क्राफ्टिंग स्टेशन यहाँ पे बिल्ड करना है। हेलो रितेश भाई, क्या है कि कहीं पे मर जाते हैं ना तो ये स्पॉन एरिया है, यहाँ पे आराम से अपना एक छोटा सा क्राफ्टिंग का एरिया रहेगा और बाद में ना यहाँ पे आके वो कर लेगा। एक दिक्कत की बात यह है कि साला यहाँ पे एक अजीब तरह के स्नेक पैदा होते हैं। मैं अभी हूँ, मेरा लोकेशन है, मैं हूँ M5 पे। हमने जो कल राफ्ट बनाया था उस राफ्ट में कल रात को एक गेम का बग हो गया था कि अगर दुश्मन का बेड अगर आपके बेड के आसपास है ना तो आप वहाँ पे स्पॉन नहीं हो सकते। तो क्या हुआ कि एक पॉइंट पे मैं और बबीती भाई दोनों मर गए। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ अपने आप को मरने के लिए, मैं और बबीती भाई दोनों मर गए। तो क्या हुआ कि दुश्मन के बेड के पास था हमारा, तो वो हो नहीं पाया यार, हम दोनों स्पॉन नहीं हो पाए। मेरे को अपनी स्ट्रीम का बिटरेट कम करना है यार, मैं कर नहीं पा रहा यार, मैं भूल जाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल भूलने लगा बहुत सारी, तो उस कारण से ये हो गया। तो बबीती भाई देखते हैं अब कब आते हैं। कल हमने थोड़ा सा अपने में आपस में मस्ती उस्ती करी, मजा किया, लेकिन मर गए हम लोग। लेवल अप करने की कोशिश कर रहे थे तो खैर मैं चल यार अभी फिलहाल राफ्ट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि एक बार ट्राई करूँ क्या राफ्ट पे जाके। रुक एक बार राफ्ट पे जाके ट्राई करता हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने बोला था कि फिक्स हो गया है राफ्टिंग वाफ्टिंग वाला फिक्स हो गया। तो हमारा राफ्ट क्या है, हमारा राफ्ट है एक मिनट में दिखाता हूँ। राफ्ट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था, तो देखता हूँ अभी राफ्ट पे स्पॉन हो पाता है। तो ये पैच नोट में तो आया कि फिक्स कर दिया इन लोगों ने। हाँ लग तो रहा है मेरे को राफ्ट पे स्पॉन तो हो गया मैं। चलो प्रफुल पे, ओ भाई फाइनली मैं राफ्ट पे आ गया हूँ। तो ये अपना राफ्ट कल वाला, लेकिन ओ भाई यहाँ पे एक साला एक बेड बनाया था मैंने बेड का यार। तो बबीती भाई आए, अबे इसकी माँ का यार मत कर बे ऐसे, अबे तोड़ क्यों रहा है ब्रो, हेलो क्यों तोड़ रहा है भाई, इसको लेके इधर चलो। अबे इधर इधर इधर, अबे मत तोड़ भाई, इधर आ ना इधर आ ब्रो भाई, ये तोड़ी मैं सामान भरा है। अबे इतनी मेहनत से साला राफ्ट बनाया वो तोड़ रहा है। तो वहाँ पे यहाँ पे एक राफ्ट बना दिया और वहाँ पे ना हो तो चल तेरे को हाथी के पास ले, तेरे बहुत फाइट करने का शौक है ना, चल इधर आ जा यहाँ पे, आ रहा ना आ जा तेरे को फाइट करवाते, आ जा इस हाथी से लड़, हाँ वो लड़ हाथ है। बहुत मुश्किल से राफ्ट बनाया था। अभी क्या है कि चलो मैं दूसरा बेड ही नहीं लगा सकता, ये क्या मजाक है यार। यार एनी वे यार राफ्ट पे स्पॉन तो हो रहा हूँ, छोड़ दे यार। हाई आई कम फ्रॉम स्कूल, पढ़ता है स्कूल में और बातें ऐसे चौधरी वाली करता है ना कि भाई लगेगी पता नहीं क्या। तो चल मेरा राफ्ट तो मेरे ख्याल से सही सलामत है अभी, वेरी नाइस। कल साला हम लोग अटक के रह गए थे इस राफ्ट के चक्कर में, बेड है बेड रखा था हट पे। तो मैं ना एक बैकअप राफ्ट बनाने की सोच रहा था कि कहीं पे कुछ अगर हो जाए तो बैकअप राफ्ट बना दो। तो इसीलिए कल जो है यार एक भी जगह एक भी जमीन जो है ना एक भी जमीन ऐसी नहीं है कि जहाँ पे यार मतलब लोगों ने क्लेम करके ना छोड़ा, हर जमीन यार हर जगह पे इन लोगों ने मतलब कि कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। ये कौन है हट पे, वैसे इसको मार सकता हूँ लेवल 2 है ना, चल मार सकता हूँ यार, हाथों से ही मार सकता हूँ इसको, मैं बचा तो
पहले से ही लाइव कर रहा। चल मार दिया तो कोई बात नहीं, मार दिया तो चल। एनीवे चलते यार अपने जिस मिशन पे निकले थे चलते, पहले खत्म करते। तो बेड पे कूलडाउन लगा हुआ, चल मोहिती भाई आ जाएंगे बेड पे। मैं होम रीजन पे जा रहा हूँ कि जो कि मेरा अभी क्या है M5 है, M5 होम रीजन पर रहा था। तो चल यार चलते। कहाँ गया, गलत जगह स्पॉन हो गया ना, ये यही हो जाएगा जहाँ पे स्पॉन हो गया। सही जगह बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्पॉनिंग एरिया जो है ना बिल्कुल स्पॉनिंग एरिया के सामने ही लगाया मैंने इसको, ये कोई तकलीफ ना हो यार। हेलो अवध गेमी, कैसे हो यार? गेम बहुत मजेदार है, बहुत फन है यार इस गेम में, पता है यार जैसे जैसे खेलते हम लोग गए ना यार, तो बहुत ही सही गेम है यार। बस थोड़ा सा लैग हो रहा है, मेरे को पता है स्ट्रीम पे लैग हो रहा है क्योंकि मैं ना बिट रेट चेंज करना भूल गया यार, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। अब यही है ना मेरा स्पॉनिंग पॉइंट, या कहीं और दूर पटक दिया मेरे को गेम ने, मेरे को लग रहा है मैं कहीं दूर पे आ गया हूँ। अब किनारे आऊँ तो पता चल जाता, नहीं नहीं मैं दूर आ गया हूँ भाई। थोड़ा सा फॉर्टीट्यूड भी मेरे को अपना बढ़ा रहा है, जैसे लेवल अप होगा ना फॉर्टीट्यूड बढ़ा लूँगा अपना, जो ठंड ज़्यादा लग रही है। अभी मैं लेवल 13 पे हूँ भाई, मैं लेवल 13 पहुँच गया हूँ, बहुत फार्म किए। कहाँ है भाई ये? तो मेरा वाला एरिया नहीं है ये तो पक्का बोल सकता हूँ, ये मेरा एरिया नहीं। मैं मेरे को है ना एक्चुअली वहाँ पे एक छोटा सा यार, मतलब कि यहाँ पे लॉलेस एरिया जो है ना, लॉलेस एरिया बोले अबे यार ये कौन है, लॉलेस एरिया मतलब कि जहाँ पे लोग स्पॉन होते हैं और जहाँ पे आप मतलब कि अपना काम स्टार्टिंग का काम कर सकते हो, उसको लॉलेस एरिया बोलते हैं। और गाइस जो जो लोग भी यार वहाँ पे है ना डिस्कॉर्ड पे, काइंडली यार जनरल टेक्स्ट पे कुछ मत डालो यार लिंक को, अपना सेल्फ प्रमोशन डाल देते हैं कि ये कोड डालो मेरे नाम पे ये डिस्काउंट मिलेगा यार, वैसा मत करो यार। डिस्कॉर्ड के जनरल टेक्स्ट चैनल ही रहने तो उसको प्रमोशन का चैनल मत बनाओ यार। एनीवे चलो कहाँ पे था मैं, दिक्कत इस बात की है लॉलेस एरिया में अगर आप जो है वो होते हो ना, अगर आप लॉलेस एरिया जो स्टार्टिंग जोन है, स्टार्टिंग जोन जो है जहाँ पे आप मतलब कि आके रेस्ट कर सकते हो, छोटे मोटे घर बना सकते हो, वहाँ पे अगर आप बेड लगाते हो ना तो उस बेड वहाँ के बेड पे आप स्पॉन नहीं हो सकते, आपको या तो समुंदर में जाना पड़ेगा या राफ्ट या शिप या जो भी आपके पास साधन है आप उसी पे जा सकते हो, इन सब एरियाज के बेड पे आप नहीं जा सकते। तो इसीलिए मैंने इसीलिए सारे लोग है ना लॉलेस एरिया के आसपास ही बहुत ज़्यादा बेड स्पैम कर रहे हैं ये लोग। तो ये है क्या? नहीं ये भी नहीं लग रहा मेरे को, बड़ा सा खंबा था वो। गेम तो 32 GB का है लेकिन 32 GB से ज़्यादा होगा ये भी एरिया नहीं है, मैं लग रहा है बिल्कुल कोने में पैदा हो गया। 64-63 था यार, 64-63। तो चलो वहाँ पे चलते हैं। ये साला सांप का बहुत यार सीन है यार यहाँ पे, ये क्या ना जायंट स्नेक पैदा होते हैं, छोटकू नहीं बड़े वाले स्नेक, वो चक्कर है यार। ये देख रहे हो ये सब है ना फाउंडेशन लोगों ने लगा के रखा हुआ है यार, इतनी दिक्कत हो रही है ना ढूंढ यहाँ पे, मैं कुछ भी पोर्ट वोट बना नहीं सकता हूँ। तो इस बार कल रात को क्या मॉर्निंग में आया, मैंने खुद का अपना फाउंडेशन स्पैम कर दिया ना, भाड़ में जाओ सालो तुम साला, कोई एरिया ही नहीं छोड़ रहे तो मैं क्या बेवकूफ हूँ जो मैं एरिया छोड़ दूँ किसी के लिए भी। तो मैंने आके अपना फाउंडेशन वहाँ पर डाल दिया और मेरे घर पर फालतू का ड्रामा शुरू हुआ। कहाँ गया यार मेरा टावर किधर है? दिक्कत क्या है साला, मैं उधर स्पॉन हो रहा था ये, और इस बार मेरे को इधर स्पॉन फेंक दिया है। मैं बिल्कुल बेस के सामने स्पॉन होता था, अभी बेस का फोर। हेलो साकेत गुप्ता, कितने जी अनाकोंडा
अनाकोंडा नहीं है भाई, अनाकोंडा से ज़्यादा ये देखो ऐसे टाइगर घूम रहा बाद में टेम। अभी एक्चुअली क्या है ना, अभी सब कुछ हो जाए ना, अभी उसका टेमिंग वेमिंग का मैं सोच रहा ध्यान दे रहा, अभी फिलहाल टेमिंग वेमिंग पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये देखना जैसे घर तो ऐसे बना लिए यहाँ पे पत्थर का कि लग रहा है ये बंदा कहीं यहाँ से जाने वाला ही नहीं है ये यहाँ से निकलने वाला ही नहीं है, अपनी ज़िंदगी यहीं गुजार देगा। तो इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है गेम को। पहले क्या था ना, लॉलेस एरिया में लेवल 8 से पहले 8 से ऊपर नहीं जा सकते थे, तो इन लोगों ने चेंज कर दिया, अभी लॉलेस एरिया में भी आप जो है लेवल अप कर सकते। वो रहा साला बहुत दूर है यार। तो सारी चीज़ें मेरी बनी हुई है, अभी टेमिंग यार करेंगे, टेमिंग जो है ना गाइज हम लोग करेंगे, लेकिन टेमिंग के लिए अभी है ना पहले ये सब इनिशियल स्टेप्स है ना वो मेरे को फिनिश करना है, उसके बाद ही टीमिंग का भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अभी जब एक जगह जब आपका बेस नहीं है, आपका घर नहीं है ना, आप लैंड अगर एक जगह पे नहीं है तो आपको वो बेवकूफ़ी है फिर वहाँ पर टीम करना, फिर आप उसको कैसे लेके जाओगे, कैसे मूव करोगे। ये देखो शिप देखो यार, तो कहाँ पे लेके जाओगे वाइल्ड शिप। तो इसीलिए है ना भाई अभी टीमिंग वमिंग का भी कुछ ध्यान नहीं है, चक्कर नहीं है, क्योंकि जब तक अपना एक होमलैंड नहीं मिल जाता है जिसको बोल सके हाँ भाई ये मेरा बेस है ये है जो भी है, तब तक यार उसका टीमिंग वमिंग नहीं करते। अबे बहुत ही गंदा बंदा है यार वो, इतनी गाली गलौज यार, मतलब कि एबीसीडी है। इतना घटिया इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है भाई, उस बंदे की तरह, उस बंदे जैसा मैंने घटिया इंसान नहीं देखा है यार। वो युग नागरिक उसका नाम मत लो, सैड हो गया, क्यों गुस्सा आ रहा है, कुछ किया होगा तभी तो बैन किया, कॉपीराइटेड सामान माल यूज कर रहा होगा। अबे चल रहा यार इतनी दूर कहाँ लेके जा रहा है गेम, अला बेट लगा देना बेट पे स्पॉन। इनको है ना स्ट्रक्चर लिमिट डालनी चाहिए यार कि ये लॉलेस एरियाज में ना इतने से ज़्यादा आप स्ट्रक्चर नहीं लगा सकते, बेट वोट लग पे स्पॉन हो सकते हो। ये बेवकूफ़ी वाला ये वहाँ पे मरा होगा, चल पे वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरा भूख भी लग गई यार। चल यार अपना वो बनाना है राफ्ट बना, ये बोलते हो तो मेरे भूख भी लगी, अभी क्या घंटा बाबा जी का मैं ये करूँगा। रीजन तो आया होगा ना, बैन हो गया, बैन ऐसे नहीं होता है, वार्निंग तो आया होगा ना ब्रो, बिना वार्निंग के कैसे बैन हो जाएगा, बिना वार्निंग के कैसे बैन हो जाएगा यार। कुछ तो ऐसा किया होगा जो कि भाई कंटेंट में, हेलो मोहम्मद यूसेफ, कुछ तो किया होगा ना कंटेंट पे जिसके कारण से तू बैन हुआ यार, कोई तो रीज़न होगा, बैन तो ऐसे नहीं होते यार, कोई ना कोई रीज़न तो मेल वोल में भेजते ही है वो लोग, यहाँ ये रीज़न है। चल एनी वे चल यार अपना काम धंधा शुरू करते हैं, आने से पहले भूख लगी, प्यास लगी, भूख लगी। एनी वन फाउंड क्लियर वाटर ऑन एम फाइव, अबे यार ये वापस से साला चार पांच वो पैदा हो गया यार, कितनी फाइट कर रही है। चल मीट ले लो इनका यार, ठीक है इनका मीट ले लो, मैं मीट ही अभी कच्चा मीट खा के ही अपना काम चलाऊंगा। चल भाई कच्चा मीट खा। हाँ तो अभी क्या है, अभी अपने को क्या है राफ्ट वाला सामान बनाने का है, तो ये राफ्ट वाला सामान ये रहा, इसके लिए एक फाइबर चाहिए, फाइबर का है फाइबर है क्या, ये फाइबर है, ये फाइबर है, फाइबर चाहिए मेरे को, 70 स्टोन चाहिए, स्टोन का है 135, वाह बहुत बहुत सामान इकट्ठा किया। थैच चाहिए मेरे को, थैच का है यार पहले तो ये थैच और थैच का है ये
वुड चाहिए 560 वुड। सबसे बड़ा डेंजर है ना वुड का ही है, सारे वुड खत्म हो गया भाई, था ना वुड। तो चल ये स्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ना एक्चुअली ये लिटरली वो है जिसके कारण से वो बनता है। ये देखो ये जो है ना स्ट्रक्चर, इस पे ये वुड क्राफ्टिंग स्टेशन बनता है, ये ना राफ्ट और छोटे शिप है ना यहाँ पे बनेंगे। तो ये जो है ना, अभी रुको यार, कनेक्शन टू वाटर, अभी ये ना वाटर से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेशन है जिस पे हम बिल्ड कर सकते हैं। तो यही प्लेस करने के लिए ना इन लोगों ने जो क्लेम कर लिया ना लैंड, ये चारों तरफ लैंड क्लेम किया हुआ है, यही दिक्कत हो गई है कि यहाँ पे कोई एक ही एरिया ये बचा हुआ था मेरे को करने के लिए, ठीक है। ये तो एक्सेस इन्वेंटरी अभी क्या है ना, देखो एक्सेस इन्वेंटरी इसमें जब करूँगा ना, इसके अंदर जाऊँगा टाइनी शिप यार, तो दो चीज़ें बना सकता हूँ, एक छोटा बोट बना सकता हूँ और एक राफ्ट बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यार खा लो और खा लो। तो अभी राफ्ट के लिए अपने पास सारा माल है इसका, तो चलो डाल दो राफ्ट के लिए माल है। तो एक और राफ्ट, बैकअप राफ्ट मैं बना रहा हूँ। अभी क्या चाहिए तेरे को, सब कुछ है इसके अंदर, फाइबर चाहिए, फाइबर का है यार। रुको यार मैं जरा फाइबर और हाइड लेके आता हूँ। तो ये छोटू राफ्ट है, इसमें बनता है हाइड, फाइबर है, फाइबर का है यार, और भी फाइबर तेरे बनता है। फाइबर की तरह यार, फाइबर लेके आना पड़ेगा, फाइबर यूज हो गया क्या सारा बड़ा। फाइबर यूज हो गया तो चल अपना सामान इधर से निकालते हैं। तो ये अपना छोटा सा स्टेशन है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक बनाया, क्योंकि आदमी मर जाता है ना, बंदे हम लोग मर जाते हैं ना, तो उसके चक्कर में यार आ नहीं पाते। तो मेरे को कुछ फाइबर की और आवश्यकता है, आई नीड सम फाइबर। तो फाइबर कैसे मिलेगा, हाथ से मिलेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक अच्छा सा बेस भी बिल्ड कर लूँगा यार, यहाँ पे इनको है ना बैकअप एक बेस बना लेते हैं। तो मेरे को फिलहाल अभी कुछ चाहिए नहीं, मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूँ, ठीक है आपके साथ। और खाना तो चाहिए यार, खाना तो जरूरी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। एक खाना यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे खाना को डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ खाने का, बनता है। क्योंकि बेरी खा कब तक रहूँगा, बेरीज का भी चक्कर है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान सामान्य ज्ञान की बात है, कुछ पता चले। अबे कहाँ जा रहा है बे, ए हीरो अबे इस तरफ पे चल के। हेलो मेंटेक गोयल, कैसा है यार, बाय साइडो के ऊपर जा रहा है ब्रो, कॉफी और मुझे यूज किया था स्ट्रीम पे। शायद अच्छा वो शायद है, सॉरी यार वो शायद यार, लेकिन भाई पीवीपी में अभी सरवाइव नहीं कर सकते। पीवीपी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, बहुत हाई लेवल में पहुंच चुका है। अभी हम लोग राफ्ट ही बना रहे हैं, वहाँ पे लोग साला बॉस फाइट कर रहे हैं वहाँ पीवीपी सर्वर पे। तो पीवीपी सर्वर पे जाना अपने आप मौत की दावा देना है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। मैं एक दो बार गया भी था वहाँ पे, तो पता चला कि भाई मैं मर गया वहाँ पे, बहुत गंदे वाला ट्रोल चल रहा है। तो जब तक नया सर्वर नहीं आता है ना पीवीपी, अभी स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और इस रेट में स्टार्ट करना तो बिल्कुल ही मुश्किल है। और पीवीपी सर्वर में एक और दिक्कत क्या है ना, कि अगर आप कोई भी लैंड कोई भी ये चीज़ करते हो ना, तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए ना आपके 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई सामान है ना कोई भी उस पर झंडा लगा के फ्लैग लगा के उसको क्लेम कर सकता है। तो अनटिल आपके पास बंदे नहीं है 24 घंटे के लिए, तब तक आप पीवीपी इस गेम में खेल नहीं सकते। तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो वहाँ पे प्रोटेक्शन दे सके,
मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ, एक बंदा अकेला बंदा नहीं लड़ सकता है किसी से, कि जब तक उसके पास जब गैंग ना हो तब तक नहीं लड़ सकता। तो ये चक्कर है यार पीवीपी का, ये छोटा सा एक चक्कर है कि भाई पीवीपी जब आप करोगे तो आपको 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ेगा। 24 घंटे पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए 24 घंटे ऑनलाइन रहना नहीं। मुबारिज अली नाम लो भाई, नाम मैं सबका जब भी मैं चैट पे देखता हूँ सबका नाम पढ़ता हूँ यार, बोलने की जरूरत नहीं, नाम तो मैं सबका पढ़ता हूँ। तो चल अपना रा सेकेंड रा बैकअप रा को बना देता हूँ। वहाँ पे बेड डाल दूंगा, बेड के लिए मैं आई होप कि मेरे पास उतना सारा सामान हो बेड डालने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ क्या है ना, यहाँ पे ये यह पत्थर तोड़ने पे ना अपने को मेटल भी मिल रहा है, अच्छी बात ये है। तो मैं यहाँ पे आया था तो यहीं पे रुक गया, मैंने कहा यार सबसे इजी मेटल तो यहीं पे, हाँ भले बहुत सारे रिपेयर करने पड़ते, ज़्यादा मेटल नहीं मिलता, एक से ज़्यादा मेटल नहीं मिलता, उसको ये लोग सिल्वर कहते हैं, यहाँ पे सिल्वर आता है। रुक गया मेरा स्टेमिना गेन कर लो, जीवन बोलो एटलस कैसा है वो। ओवरऑल यार मेरे को सही लगा, फ्रेश गेम है यार, फ्रेश गेम है, मेरे को तो सही लगा। इतना कुछ होने के बाद, मेरा कैरेक्टर लूज हो जाने के बाद, मेरा कैरेक्टर तीन बार खुद से मैंने शुरू किया, इतना होने के बाद भी अगर ये गेम मैं स्टिल खेल रहा हूँ तो इसका मतलब कि मेरे को गेम अच्छा लगा। सबसे मस्त चीज़ इस गेम के बारे में कि यार ये गेम जो है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, ये पूरा ओवरऑल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट है, सब कुछ नया है बिल्कुल। तो इसलिए यार गेम कभी भी स्टार्ट किया है तो अभी मॉडरेटर्स वगैरह आए नहीं है, अभी मॉडरेटर आएंगे तो शायद हो सकता है, और शायद हो सकता है लाइट मेरा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो शायद मेरा स्ट्रीम अगर बीच में बंद हो जाए तो माफ़ करना गाइस अगर लाइट चली गई, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही आज देख रहा हूँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो ज़्यादा है, हो सकता है शायद लाइट वेट काट के लोग रिपेयर वपेयर करें आज। तो रुको यार मैं फाइबर इकट्ठे कर रहा हूँ, मेटल सिकल चाहिए फाइबर के लिए, जी फाइबर के लिए, लेकिन मेटल सिकल का वो भाई अभी औकात नहीं है यार, मेटल एक ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा मेटल। तुम लोग एच ओ डी का वीडियो देखो यार, तुमने है ना पीवीपी में एच ओ डी का वीडियो दे, एच ओ डी गेमिंग एच ओ डी एटलस टाइप करोगे ना गूगल में सर्च हो जाएगा, उस बंदे का देखना, उन लोगों ने एक दिन में भाई साहब बॉस फाइट कर रहे हैं, डूडोल हो फायर एलिमेंटल इसमें बॉस है उसको मार रहे हैं, वो 51 लेवल है, हाईएस्ट लेवल जो है ना 51 है अभी फिलहाल गेम में, वो 51 लेवल के पे ऑलरेडी पूरा उनका क्रू पहुंच चुका है, वो अल्फा से फाइट कर रहे हैं जाके वहाँ पे, उनका शिप देखोगे पागल हो जाओगे। ये ऑफिशियल सर्वर की बात कर रहा हूँ, तो एच ओ डी टाइप करो यार, मैं हो सकता है मैं शायद बाद में डिस्कॉर्ड में लिंक भी डालूंगा, जाके देखो यार वो ऑफिशियल पे यार 24 घंटे खेलने वाले लोग हैं, वो कंटिन्यू खेले जा रहे हैं, वो उन्होंने ब्रेक भी नहीं लिया अभी तक, तो ऐसे ऐसे लोग हैं यार, उनसे पीवीपी में कहाँ से मुकाबला कर सकोगे जहाँ पे उनके क्रू में 20 से 25 लोग एक साथ ऑनलाइन रहते हैं। कॉइंस दे दो, हेलो नॉक्स गेमिंग, फिर दे दो ना, मैं कब से देख रहा हूँ, क्या दे दो कॉइंस, तो ऑटोमेटिक आएगा यार। टी गेमर रैटलर रेजिडेंट ऑल प्लेइंग, हाँ भाई खेल ले दो डूड, आई डोंट केयर, मैं पबजी में यार सोलो में आई सक वो, मैंने कल से देखा यार, मेरे को पबजी यार बिल्कुल, मेरे को यार देखो पबजी में प्रॉब्लम क्या है ना, पबजी में यार इतना उस स्क्वाड में इतना चीखा चिल्ली हो जाती है ना भाई, कुछ समझ में नहीं आता गेम में क्या है, ठीक है। और मैं इतने दिनों से पबजी खेल रहा हूँ, मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुआ कि आई एम वेरी बैड फॉर स्क्वाड, मैं स्क्वाड से मैनेज नहीं कर सकता, मेरी थिंकिंग अलग है, दूसरों की थिंकिंग अलग है, अगर उनको फॉल बैक करना होता है ना तो अचानक से फॉल बैक कर जाते हैं, बताते भी नहीं, मिडिल ऑफ फाइट जहाँ पे दो लोगों से आप फाइट कर रहे हो, दो लोग आपके ऊपर कर रहे हैं वहाँ पे आप फॉल बैक हो जाते हो, और फिर और क्वेश्चन पूछो तो यार फिर वो अलग ही ड्रामा वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, तो भाई रहन दे यार, मैंने उस लिए मैंने खेलना छोड़ दिया यार, मेरे को नहीं खेलना है यार, चलो यार जो भी है लेके चलो, तो यार छोड़ हटा यार, जिसको खेलना है खेलो यार, आई डोंट केयर, मैं अकेला भाई सोलो बंदा मैं ठीक हूँ, मैं सोलो खेल लेता हूँ, सोलो इज गुड फॉर मी यार,
मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड में अच्छा कर लेता हूँ। मैं क्राउन फोर पे पहुँच गया वैसे वैसे करके, थ्री पे पहुँचा था, थ्री से फोर पे आया, फोर से उधर आया। तो यार वो छोड़ यार रैंक, जिसको जो खेलना है खेलो यार, आई डोंट मेरे को बस बोलो यार कौन क्या खेल रहा है नहीं खेल रहा है, क्या चाहिए हाइट चाहिए रोड चाहिए। अबे यार डूड यार वहाँ पे ये जो था ये दूसरा कुछ मांग रहा था, यहाँ की राफ्ट जो है ये अलग अलग राफ्ट है क्या यार, ये यहाँ का राफ्ट कुछ अलग ही डिमांड कर रहा है यार, कुछ ज्यादा चीजें मांग रहा है यार यहाँ का राफ्ट। ये क्या है, हाइट नहीं है क्योंकि वहाँ पे मेरे को याद है मेरे 80 वुड पे राफ्ट बन गया था मेरा, यहाँ पे तो साला 250 वुड मांग रहा है। अरे यार ये क्या है, हाइट तो है। अबे यार 250 वुड वहाँ पे याद है मेरे को, मैंने पहला जो राफ्ट अपना बनाया था 80 वुड लगे थे, 20 हाइट लगा था, यहाँ पे 60 हाइट 250 वुड भाई मांग रहा है भाई। उसने पूरा शिप क्रिएट कर दिया, पूरा शिप उसने नहीं क्रिएट किया, मैं वो नहीं बोल रहा, तुम उनके ट्राइब मेट्स को देखो, सबके हाथ में लॉन्ग नेक है, उनके कपड़े देखो, उनका उनका हायर टीयर का कपड़ा है, मेटल के कपड़े उनके पूरे उसके पास है, दे हैव कैनन्स दे हैव गन्स भाई। एक दिन में सबसे बड़ा जो शिप होता है ना वो शिप है उनके पास, सबसे बड़ा सीन। ये ऑफिशियल सर्वर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और सर्वर की बात नहीं कर रहा हूँ। दे गॉट एवरी थिंग, तो वैसे वैसे बहुत सारे यार मतलब कि वहाँ पे ट्राइब्स है जिनके पास ये सब चीज़ें हैं, ऑलरेडी लोगों ने सर्वर ले रखा है कि ये मेरा सर्वर है, यहाँ पे कोई नहीं है, आगे सांप उधर नहीं जाऊँगा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। वोट देखने की बातें थोड़े किया कि जाके तुम वोट देखो उसका, ओ उनके पास सब कुछ है यार। एक दिन में उन्होंने हाईएस्ट लेवल 51 अचीव कर लिया, एक दिन में सारे के सारे ट्राइब 51 लेवल के हैं, उनके पास कैनन्स हैं, राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, टीयर 3 का उनका वो है, आर्मर्स है, आर्मर सबके मेटल के हैं, बिना मेटल आर्मर के कोई नहीं निकलता। 20-25 लोग ट्राइब में है, अबे कौन है बे, 20-25 लोग ट्राइब में, उससे क्या बंदा फाइट वो सर्वाइव कर सकते हो। ये भी नहीं है कि एक सर्वर चलो दूसरे सर्वर चेंज कर लिया, दिक्कत क्या है कि सर्वर एक ही है पीवीपी का, ईयू यूरोपियन एक ही सर्वर है और उसी सर्वर में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो कहाँ से कर लोगे यार। मैं अभी जब बंद करूँगा ना स्ट्रीम सर्वर, पहले जाके अपना बिट रेट कम करूँगा मैं। ये देखो ये एमएमओ गाइस, ये एमएमओ गेम है ठीक है। एमएमओ में क्या होता है ना, ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है अपने स्टफ यूज़ करने का। और ये जब बिल्कुल नया है तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ यार ये बहुत ही बोरिंग गेम होने वाला है गाइस, तो आपका पेशेंस नहीं है तो काइंडली मेरे को मत करना, क्योंकि यहाँ पे यही सब तोड़ फोड़ और इकट्ठा करो ये करो वो करो यही सब चलता रहेगा, तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ यार एमएमओ मतलब ग्राइंड, कुत्ते की तरह ग्राइंड करो यहाँ पे। आज तो सिल्वर नहीं मिलता, मेटल नहीं मिलता इसमें, तो मैं उसकी बात कर रहा था कि डूड उनके पास पूरे ट्राइब के पास इतनी कैपेसिटी है। अरे उनके सिप पे 10 कैनन लगे हुए हैं। सचिन चौधरी हाय, किशोर बंडल हेलो, केडी पवार एक्सप्रेस है, केडी पवार के पास एक्सप्रेस है या क्या, भाई मैं मेरे को आई डोंट नो यार कि कौन क्या है नहीं, प्लीज यार किसी का नाम लेके कंपेयर मत करो यार, किसी का नाम लेके कंपेयर मत करो यार। और सर एटलस, अब क्या एक बंदा पूछ रहा है यार कि क्या एटलस अच्छा है क्या, वो देख रहा है कि मैं कंटिन्यू खेले जा रहा हूँ इस गेम में, तो बंदे क्या जवाब दो यार। Trust me.
अरे किशोर मंडल क्या है भाई, अरे आ जाता है ना एक ही बार में समझ में आ जाता है। मैं सामने स्क्रीन पे भी देखता रहता हूँ ना ब्रो, तो मैं देर सवेर तो चैट पढ़ ही लूंगा। वैसे भी कितने यार मेरे व्यूवर ही कितने हैं यार, तो 1000 में तो है नहीं कि नहीं कॉल कर। कितना वोट चाहिए था मेरे को, 212 वोट हो गया यार। थोड़ा और वोट इकट्ठा कर चलता हूँ, उधर जाने में मेरे को डर लग रहा है, उधर एक सांप घूम रहा है सारा। ये यहाँ के जो सांप है ना थोड़े डेंजर वाले हैं, इस इलाके के सांप है ना बहुत डेंजर, छोटकू सांप नहीं है। व्हाट्सअप वर्ल्ड हेलो भाई यार। हाँ स्पैम मत करो यार, एक बार में समझ में आ जाता है भाई। तो भाई वो मेरे से कोई सजेशन ले रहा है, पुराना एक बंदा है साथ में खेलता था आर्क अंग्रेज है, तो वही पूछ रहा था मेरे से कि भाई क्या करूं आर्क, ये एटलस ले लूं क्या, मेरे को सेलिंग अच्छा नहीं लगता। वो ये सांप देख सांप, अबे जाइंट सांप, ये देख ये सांप देख, पीछे देखा पीछे देखा ये सांप। अच्छा वो मार दिया किसी ने उसको भाई, वो बहुत कमीना। हाँ ले लो ले लो, वो बहुत कमीना सांप है भाई, वो 2 बाइट में बेहोश कर देते हैं भाई। आई एम गुड ब्रो स्वागी खान, थैंक्स फॉर आस्किंग ब्रो। तो वो जो जाता ना जायंट स्नेक भाई, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदा होता है, वो 2 बार डसता ये हो जाता है। जन हाउ आर यू, हाउ यू मेट गैरी, यार ये तो ऐसे क्वेश्चन हो गया सेजल मेट गैरी, ये वाला क्वेश्चन हो गया यार। एक इंडियन सर्वर हुआ करता था बहुत जमाने पहले, वहाँ पे हम लोग मिले थे। मैं ऐसे ही यार थोड़ा ऑफिशियल सर्वर से मैं तंग आ गया था, तो वहाँ पे गया वर्ल्ड चैट में देखा बात हुई, इसके बाद उसने बोला कि रेड करने में जाना है आएगा, आऊँगा भाई, तो मैं चला गया उनकी हेल्प करने। तब से मैं साथ में ही हम लोग खेल रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को वहाँ का एडमिन जो था वो साला घूसट था, घूसट बोले तो कमीना था, तो छोड़ दिया फिर वहाँ पे। फिर हम लोग ऑफिशियल में गए, ऑफिशियल में रशियन ट्राइब थे, उन्होंने हमारे को वाइप कर दिया है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो उन्होंने वाइप कर दिया हमारे को। फिर वापस गए इंडियन सर्वर में, लेकिन वो जो एडमिन था वो घूसट एडमिन, वापस हमारे को बैन कर दिया। तो बैन कर दिया उन्होंने, बोला बाहर ले जाओ। चल भाई राफ्ट बन गया अपना, राफ्ट का चलो इसका नाम भी बैकअप ही रखूंगा यार। ये राफ्ट अपना रेडी हो गया, अपना छोटा सा राफ्ट स्टेशन भी बन गया यहाँ पे फिलहाल, यहाँ पे चला देख रहे हो तो ये रहा रहा। लेकिन ये वाले राफ्ट और वो वाले राफ्ट में साला अंतर क्या, इसमें इतना ज़्यादा सामान क्यों लगा, 250 वुड लगे हैं यार, 60 हाइड लगा है। मिस्टर ड्रेड मर्डर हु आर यू, यार ये कोई बंदा नहीं, ही डजंट एग्जिस्ट, ही इज बॉट। ओ भाई सांप आ गया, ये देख साला मेरा सामान ना तोड़े, देखो सांप से फाइट कर रहे हैं लोग। अबे यार ये सांप यार, यहाँ पे यही सबसे बड़ी दिक्कत है यार सांपों की यार। कहाँ यार स्पीयर का, मेरे को अब हिफाजत करना पड़ेगा, मारता हूँ साले को। वैसे सांप को देख के मेरी फटती है, फिर भी मारता हूँ, बेड भी नहीं है, सब बेड लगाऊंगा थोड़ी देर बाद। 17 लेवल का सांप है भाई, मार कोई बात नहीं, फाइट फाइट बैक हो, फाइट फाइट मारूंगा मारूंगा साला, मरने वाला है भाई साहब।
यार ये बहुत खतरनाक सांप है, मैं वो सब कभी भी हो सकता हूँ। देख रहे ये वाला सांप साला, एक रैटल स्नेक था वो भाई। देखो मैं बेहोश हो गया, बोला ना मैं बेहोश हो गया भाई। हाँ बेटा बेहोश हो गया मैं। मिस्टर एंड्रॉइड मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता था, ही इज बॉट। मैं जो है ना उसको क्रिएट किया हुआ है, वो इंसानों की तरह बातें कर सकता है। ही इज बॉट यार, वो बॉट समझते हो ना, वो आदमी नहीं होते, आदमियों की तरह हरकतें करते हैं। जैसे वो पबजी खेलता है ना, पबजी ब्रो, तो उसमें जो बॉट आते हैं ना, वो जो आदमियों की तरह गोलियां चलाते हैं लेकिन बेवकूफों की तरह चुप गोलियां चलाते हैं। दूर से देख के लग जाए नूबड़ा है यार। पता है अभी भाई मेरे को यार, लेकिन अब एंड्रॉइड मॉडर यार, ये कोई अगर पूछता है कि हु आर यू, तो हर समय ऐसा कोई जवाब नहीं होता है। मान लो कि तुम्हारे कोई फैमिली फ्रेंड घर पे आए, तुम्हारे पापा के कोई रिश्तेदार लोग या तो उनके जानने वाले आए और तुमने दरवाजा, तो जाहिर सी बात है पहला क्वेश्चन तो तेरे से यही होगा ना कि बेटा आप कौन हो। तो तू बोलेगा ना, हाँ मैं इनका सन हूँ, मैं इनका वो हूँ, इनका भाई हूँ, इनका बहन हूँ, तो बोलेगा ना, या उनको बोलेगा कि आई एम योर फादर, तेरा बाप हूँ मैं। हाँ भाई कौन हो, तो तेरा नाम एंड्रॉइड मॉडल है तो कोई पूछेगा यार कि भाई आप हो कौन। अपना नाम लिखना चाहिए ना वहाँ पे, ये बोलेगा कि मैं तेरा बाप हूँ। अपने उभर लगे कोई अगर घर पे कोई भी आके पूछता है अपने दरवाज़ा, कोई नॉर्मल जनरल क्वेश्चन होता है ना लोगों का, अरे बेटा आपका नाम क्या, आप कौन हो। सही है यार तेरा तो भाई, फैज का है यार। मरी लोग किसी भी कहीं भी किसी घर पे जाते जाके पूछते हैं ना कि अरे बेटा हु आर यू, तो लोग क्या रिप्लाई देते हैं, वे फादर नेम इज ये, या जाके बोलोगे यार कि नहीं मैं तेरा बापू हूँ। चल मेरे को थोड़ी लकड़ी से यार, मेरा राफ तो रेडी हो गया। डेंगी यार, डेंगी में एक्चुअली क्या ना, डेंगी ही बना सकते हैं, वो छोटा नाव की तरह होता है। अबे आज सांपों की बारात हुई है क्या, साले कि यहाँ पे भी एक सांप है, ये देख सामने यार, ये बहुत ज्यादा सांप है यहाँ पे। तेरे दोस्त भी अगर पूछेंगे तो बोलेगा तेरा बाप। तू किसी और नंबर से फोन करता है किसी दोस्त दोस्त को पूछेगा, और वो नंबर नहीं जानता है तेरा, देख सांप तेरे पीछे पड़ा, और वो नंबर तेरा नहीं जानता है, तो उसको पूछेगा तो क्या बोलेगा, तू बोलेगा ना मेरा नाम अभिनव है, या बोलेगा ए यार तेरा बाप। दिस इज बैड मैनर्स ब्रो, मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली इस बात को बोल रहा हूँ कि यार ये बैड मैनर होता है। कोई भी किसी को मिलता है फोन पे रहता है, अगर किसी का नंबर किसी को नहीं पता, या किसी घर पे जाते हो, या अपने दोस्तों के घर पे गए, तेरे दोस्त के जो माता पिता है तेरे को पहचानते नहीं है, वो पूछेंगे ना कि बेटा तुम कौन हो, तो बोले तेरा बाप। ये लॉजिक मेरा भाई सही है यार, अपने दोस्तों के बाबा को जाके बोलोगे तेरा बाप आया उसी के बच्चों से मिलने, ये बेटा आप कौन हो, है तेरा बाप। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन इस तरह से बोलने से कूल नहीं बन जाओगे यार, कूल नहीं बन जाओगे। कूल तुम्हारी हरकतों से, बातों से, व्यवहार से होता है यार कूलनेस। मेरे को ही कोई गाली लिख के लोग जाते हैं तो क्या वो कूल हो जाते हैं क्या, पानी पी लो यार, चलो पानी।
लेकिन वो तो वही वही दोस्त बनना चाहता था ना ब्रो, वो तो दोस्त बनना चाहता था कि दोस्तों से बोलता हो। तो एक दिन ऐसे ही जो दोस्त जो लोग होते हैं ना वो बिना दोस्त के रह जाते हैं, फिर दोस्त लोग फिर उनको छोड़ देते हैं साथ, बोलते हैं ऐसा बदतमीज इंसान है यार। सही हरकतों से लग गया तू तो, अपना बैड पने का बखान कर रहा है ब्रो, तेरी हरकतों से लग गया तू, यू आर बैड ब्रो, वेरी बैड। ये क्या भाई ने क्या बनाया यार, है क्या यार इसमें क्या? अच्छा सैडल बनाते हैं इसके अंदर, ओके वेपन जो बना है। अच्छा बोला बनता, अच्छा ये टेमिंग वाला है ना, टेमिंग वाला सामान है टैनरी, अच्छा टेमिंग का सामान इसमें बनता है। अच्छा ये चीज़ अच्छी है, मेरे को ये पता नहीं था यार टेमिंग का सामान इसमें बनता है। लेकिन ये लोग भाई लोग ये यहाँ पे टेम करके क्या उखाड़ लेंगे यार, तीन लोग हैं भाई यहाँ पे क्या उखाड़ लेंगे टेम करके भाई। कल से लोग देख रहा हूँ यहाँ पे लगे पड़े लगे पड़े, थोड़ी देर बाद मेरा विटामिन और टामिन का प्रॉब्लम होने वाला है। भाई को अच्छा हाँ कल यहाँ पे एक बेस था वो सर डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहाँ पे जैसे हुआ ये वेट ये फटाक इसने लगा दिया। यही गड़बड़ है यार लोग, जैसे भी कुछ जमीन खाली होता है लगा देते हैं फटाक से, हट नहीं करते क्या कर रहे हैं, एक ही पेड़ काटे जा रहे हैं। आर यू क्रेजी, आर यू क्रेजी, देर सो मेनी ट्रीज ब्रो, फाउंड वन ना चॉप वन। हद आदमी है जो जिस पेड़ को मैं काट रहा हूँ वहीं पे आ रहा है साला चूतिया काटने के लिए, जितने सारे पेड़ इसको दिख नहीं रहे हैं कुत्ता साला। अबे नहीं ब्रो बुरा मत मानना भाई, एक बात बोलूं यार लेकिन क्या बोलूं यार, तुम्हारी हरकतें ऐसी होती है, तुम नाप सनाप कुछ भी मजाक उड़ाने में सबसे आगे रहते हो, कोई बंदा कुछ भी बोले ना एक छोटी सी उसकी मिस्टेक हो जाए ना भाई, तेरी ये प्रॉब्लम है यार, ये तेरी इनिशियल प्रॉब्लम है यार। जैसे कोई कुछ छोटी सी गलती करता है ना तो सीधा उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। क्या ये सांप साला, फिर एक और सांप यार, क्या है मजाक यार, सांपों का दुकान खोला हुआ है क्या? अभी क्या है ना, अभी यहाँ पे रात तो बन गया है, मेरे को सिर्फ एक बेड लगाना है बैकअप बेड, यहाँ पे एक बेड लगाऊंगा और निकल लेता हूँ यहाँ से। बेस कब बनाओगे भाई? बेस बनाएंगे जब अपने को अपना जमीन मिल जाएगा, ये यहाँ पे ये सब जगहों पे बेस उस नहीं बनेगा, बेस बनाने के लिए अपना आइलैंड मिलेगा तो बनाएंगे, आइलैंड जरूरी है यार, वी नीड आइलैंड गो। यहाँ पे बेस नहीं बना सकते, ये जो स्टार्टिंग जोन है ना सब कैप्चर्ड है, लोगों ने बस फाउंडेशन बना रखे अपने अपने स्ट्रक्चर डाल रखे, इसीलिए सोचता था यार अकेला हो अकेला पड़ गया हो यार इस गेम में, आर्क में भी कोई आता है नहीं क्या करे ब्रो। आर्क में कोई आता नहीं है, यहाँ पे कोई आता है नहीं, अकेले हूँ लगा पड़ा हूँ। सब बोलते हैं पीवीपी खेलना है पीवीपी खेलना है, अबे भाई पीवीपी सर्वर में जा देखो इस एटलस के पता चल जाएगा भाई पीवीपी सर्वर कैसा होता है। है ना भाई, हेलो सलीम इस्लाम कैसे हो? अगली वाला है उधर, मैं इधर एक बैकअप के लिए बना रहा हूँ ताकि यहाँ पे अगर कुछ हो ना तो उसको कर सके। चल मेरी हड्डी टूट गई तो बैकअप के लिए मैं बना रहा हूँ कुछ यहाँ पे, और कुछ बात नहीं। क्या हो गया, भूख लगती है मेरे को, भूख लगती है तो बेड बनाने के लिए यार।
बेड बनाने के लिए मेरे को हाइट चाहिए, हाइट का हाइट दे रहा हाइट है ना, थैच चाहिए, थैच चाहिए रहा और भी थैच है फाइबर है, हाइट का है रे। अब मरने वाला हूँ मैं, सोच रहा था कि जल्दी से मैं उससे पहले मरने से पहले ना एक राफ्ट यार बना लेता भाई, राफ्ट के लिए मेरे को चाहिए ये बेड बना लेता, बेड 30 फाइबर हाइड और फाइबर, कितना फाइबर चाहिए 30 फाइबर, हाइट कितना चाहिए, हाइट होती चाहिए ना 40 हाइट, रुको यार पहले मर जाने दो, वैसे ही मौत मौत लिखी है, मैं एक बेड यहाँ पे बेड डालना चाहता था, बेड और अलमीरा, लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं वो कर सकूँ, मैं मरने वाला हूँ और मर के यहाँ पे स्पैम होगा नहीं, उसको कुछ नहीं, उसको है ना दो चार दिन बैन करना पड़ेगा क्योंकि उसका बिहेवियर उसको समझ में नहीं आता है, ही इज सो वेरी टॉक्सिक ब्रो, और मैं उसको बार बार उसको लताड़ता रहता हूँ फिर भी वो सुधरता नहीं, उसको लगता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हेलो ब्रो आप कैसे हो, मैं आई एम गुड ब्रो, तो भाई ये भाई मेरे को समझ नहीं आता उसका क्या प्रॉब्लम क्या लाइफ में है, क्योंकि वो है ना मजाक उड़ाने का, दूसरों को नीचा दिखाने का एक छोटा सा मौका भी नहीं छोड़ता है, और बाद में बोलता है कि यार मैंने क्या किया, मैंने क्या किया यार, तो ये उसकी उसकी प्रॉब्लम है भाई, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि उसको समझ में नहीं आता ये क्या है। हेलो योगेश चौधरी, और उसको लाख समझा दो ना भाई, वो नहीं, वो कभी भी मौका ढूंढता है दूसरों को बेइज्जती करने का, और ये रियलिटी है यार, ये रियलिटी है। विस्परिंग आइलैंड, चलो यार मैंने को पहले यहाँ पे बेड बनाने दो, फिर मैं जाता हूँ वापस अपने एरिया में जाता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या झंडा में, अबे ये कौन सा एरिया यार, यहाँ पे तो अच्छा खासा बढ़िया सा यहाँ पे, ओ भाई सांप साला आते ही सांप, भाई निकल ले यहाँ से, यहाँ पे कोई आया नहीं अभी तक लग रहा है मेरे को, यहाँ पे कोई मेरे को वो नहीं दिख रहा है, यार बिल्कुल क्लीन एरिया है इस वाले साइड पे, कोई नहीं है देख रहे हो, लेकिन सांप वो बहुत है यार इस एरिया में, सांप बहुत है दूर, ये आगे भी दो तीन सांप घूम रहे हैं, अरे राफ्ट तो रेडी है, सिर्फ बेड लगाना है मेरे को, बेड लगाना है मेरे को, साला शेर भी है रे इधर, अबे इसी जहाँ पे स्पॉन हुआ वहीं पे साला आइलैंड के दूसरे साइड में तो अजीब अजीब जानवर है, शेर और सब है साला इधर, यार कुछ बंद मर गया, कैसे मरा, सांप ही सांप है यार भाई, यहाँ तो खाली जमीनें पड़ी है यार, यहाँ पे लोग क्यों नहीं आए अभी तक, या आए होंगे हो सकता है ये लॉगिन नहीं हुआ तो इसलिए वो डेबॉलिश हो गया सब कुछ, यार बहुत ज्यादा सांप है यार, रुको यार मेरे को जरा जीपीएस लोकेशन नोट कर ले दो यार, 6941 स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले एरिया में आराम से ना बहुत अच्छा कोर्स बना सकते हैं, अगर कोई वो नहीं किया तो खैर एनीवे यार आगे बढ़ता हूँ मैं, अभी अगर अपने बेस पे यहाँ वाले बेस पे नहीं पहुँच पाया ना, यहाँ वाले बेस पे अगर नहीं पहुँच पाया तो मर के मैं सीधा अपने ओल्ड वाले राफ्ट पे स्पॉन होगा, ये देखिए यार इतने सांप यार कसम से भाई, साला इतने दूर से मारता है यार,
पूरा मेरा ट्रॉपर वो कर दिया भाई उसने, ट्रॉपर की बाब हेल कर दिया। अगर मर गया ना तो पुराने वाले राफ्ट पे स्पॉन हुआ, यहाँ तो सारा सामान तो डाल ही दिया, तो बाद में आके वहाँ पे बेड उड लगा दूंगा मैं। चलते कोई एडवेंचर पे चलते हैं, कोई एरिया और डिस्कवर करते हैं आइलैंड, कोई आइलैंड ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है। मरना क्या, मर ही जाता हूँ, चल ना ढूंढते हैं भाई। एक और बेड लगाना है मेरे को, बेड एक और लगा देता हूँ। चल ये भाई तू चल मारेगा, मार दे मेरे को, कहा है सांप है, मर जाता हूँ उसे। चल बता यार, अभी भी ये बहस ही कर रहे हैं आज भी, कहा है सांप, मार दे भाई मेरे को सांप, मार दे मार दो मार दो। मैंने बोट पे जा रहा हूँ, कुछ एरिया डिस्कवर करते, यहाँ पे अल्फा अल्फा है क्या, अल्फा है, चल इसी से फाइट कर ले। ये मार मेरे को, ये अल्फा, ये चार पांच लेवल का अल्फा नहीं देखा है, ये सारे अल्फा जो है ना साला बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। मार भाई मेरे को मार, चल यार अपने बोट पे स्पॉन होता हूँ, वहाँ पे एक और बेट डालता हूँ। मारना रे कहाँ गया ये, अभी ना सुन रहा था यार, सुन रहा था, ऐसा कुछ नहीं है क्या, मारना भाई मेरे को, किल मी ब्रो, किल मी। चलो यार अपने बेड पे स्पॉन हुआ मैं, बोट लेके कहीं चलते हैं यार, बहुत हो गया। चल 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 चल, बोट पे आ गया अपने। मेरे को है ना ये सब बॉक्स है, ये 15 स्लॉट है इसके अंदर, 45 यानी कि 3 बॉक्स का एक बनेगा, ठीक है, तो 3 बॉक्स का एक बनेगा। तो एक काम कर, एक ऐसा ही बड़ा वाला बॉक्स में वापस मैं बना लेता हूँ, बड़ा वाला बॉक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, वुड चाहिए, वुड। तो चल यार बना, 50 वुड और चाहिए मेरे को। तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ एडवेंचर के लिए, भाई बाप लोग अपना एडवेंचर करेंगे। यहाँ पे ना एक काम करो यार, ये हटाओ और यहाँ पे एक और ये बड़ा वाला बॉक्स लगा देता हूँ, ठीक है, बड़ा वाला बॉक्स लगा देता हूँ, और ये बड़ा वाला बॉक्स ही अच्छा रहेगा मेरे पास। पिन कोड डालो, सेट अप पिन कोड, चल पे सारा सामान जाएगा। चलो अभी चलते हैं एडवेंचर पे, चलते थे एडवेंचर पे जाने से पहले एक और देखता हूँ, ट्राई करता हूँ अगर एक और बेड बन, टू मैनी स्ट्रक्चर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यार एक बार में एक ही बेड लग सकता है भाई, ये गड़बड़ होगी भाई, दूसरा बेड नहीं लगा सकता हा? यार इससे पहले राफ्ट को रिपेयर करने के लिए मेरे को सामान चाहिए, राफ्ट को तोड़ दिया यार कमीनों ने, तोड़ दिया है सालों ने। तो चल यार जाते, पहले कुछ आइटम आइटम ले आओ यार रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 3000 तो इसका हेल्थ ही बचा है यार। चलो तीन हजार हेल्थ बचा है इसका, तो चलो राफ्ट रिपेयर करके निकलते यार यहाँ से, बहुत हो गया इधर उधर, तो उधर बाद में आके वो बनाओ। अभी सबको पता चल गया ना कि कैसे राफ्ट बनता है। चल भाई मेरे को क्या चाहिए बेसिकली, हाइट तो अपने पास बहुत है, हाइट की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लकड़ी चाहिए ज़्यादा, ठीक है, लकड़ी चाहिए लकड़ी। वो देखो छोटा नाव
सही है। दो वो दो बंदे कंट्रोल करते हो, छोटू देंगी है ना उसको, दो बंदे कंट्रोल करते हो तभी लगे। तो पहले अपना रिपेयर स्टफ रिपेयर करने के लिए मैं अपना सामान वामान जो है थोड़ी इकट्ठे कर दूँ, ताकि इसके बिना जाना बेवकूफ़ी है भाई। यहाँ पे इकट्ठे करो यार। अबे तो तेरी जुबान गंदी है ना बेटे, तेरी जुबान गंदी है ना, तू सीधे मुंह बात नहीं करता ना किसी से, तू हमेशा लोगों को बेइज्जती करने वाले मूड में रहता है। बात वो नहीं है, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, बोल देने से नहीं होता ना ब्रो। रियलिटी इसकी जो घर पे लोग बोलते हैं ना कि भाई तू अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है यार, यू आर माई स्वीट हार्ट, उससे स्वीट हार्ट कोई नहीं बनता है, अपनी हरकतों से बनता है स्वीट हार्ट। घर के सामने, घर के अंदर कोई भी बंदा हो ना वो अच्छा ही होता है, माँ बाप का प्यारा ही होता है। तो वो चीज़ें भूल जाओ कि नहीं मैं माँ बाप का प्यारा हूँ, माँ बाप बोलते हैं अच्छा बेटा है मेरा, स्वीटी बेटा है। तो भाई वैसे नहीं होता ब्रो, समझा? वो स्वीटी बेटा जो होता है ना, स्वीटी चूटू मेरा भोला बेटा, वो घर के अंदर होता है। घर के बाहर है ना किसी का पता चलता है कि आप कैसे हो, घर के अंदर बोलने से नहीं होता ना कि अरे मैं तो एक कुत्ती का कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसे मासूमों की तरह टाइप करने से नहीं होता ना। तुम्हारी जुबान जो है ना वो भाई उसकी प्रॉब्लम है, तुम एक सेकंड में लोगों को बेइज्जत करने लग जाते हो, समझे? ये कोई नई बात नहीं है, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा से बोलता हूँ। एक बंदा गलत एक स्पेलिंग लिख देगा तू उस पर भिड़ जाएगा, एक बंदा गलत हिंदी लिख देगा तू उसके ऊपर भिड़ जाएगा। भले अपने खुद को घंटा बाबा जी का कुछ ना आता हो, लेकिन चौधरी बनना सब कुछ है। जैसे तेरे को थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, क्या था वो राइट की स्पेलिंग तुम लोगों से भटक ना माथा फोड़ लिया था, राइट हो जाएगा जो बोलते थे ना कि बैन हो गया पबजी, बैन हो गया था राइट हो जाएगा। वही मैंने बोला कि भाई तुम पहले सीख लो, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दो। तुम तमीज़ दूसरों को दोगे, तुम्हारी दूसरे लोग तमीज़ करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, बात वो होती है भाई। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, तुषार से पूछ ब्रो। मैं थोड़े तेरे से दुश्मनी है भाई कि मैं तेरी इतनी लेता रहता हूँ, मेरे कोई दुश्मनी नहीं है भाई तुझसे। तू सही से बात करेगा यार, सही से रहेगा, अच्छा लगेगा सबको, प्यार मोहब्बत में। स्वीटी बेटा जो होता है ना, स्वीटी बेटा वो घर के अंदर होता है, घर के बाहर जब स्वीटी बेटे लोग निकलते हैं और ऐसी जुबान रहती है ना तो लात पड़ती है, समझे? दुनिया का भी तेरे को ज्ञान नहीं है, दुनिया का ज्ञान नहीं है बेटे। तुम जब घर से बाहर जिस टाइम निकलोगे ना, ये दुनिया जो है ना फेसबुक की जिंदगी नहीं है कि स्माइली में खेल चलता है और एंग्री का इमोजी भेज दिया, स्माइली का इमोजी भेज दिया है। दुनिया स्माइली से नहीं चलती है ना, हाथों लातों से चलती है। तो अभी तूने रियल वर्ल्ड नहीं देखा है, बस रियल वर्ल्ड में जाओगे ना बाजार में ही किसी को जाके बोल देना अबे तेरा बापू देख के चल, उसका देखना तेरे को रियल वर्ल्ड पता चलेगा भाई। 300 क्या हो गया भाई, अभी 42 बढ़ा यार, वह 14 लेवल हो गया भाई। रंगीला बाबा है 14 लेवल ब्रो, रंगीला बाबा गॉट लेवल्स ब्रो, अल्फा एलिफेंट इज फाइटिंग ब्रो, फ्री का हमारे को मिल गया है ये डॉट हाइट, बहुत सारे हाइट मिलेगा फ्री का। अभी हम लोग फ्री का हाइट लेंगे और ये अपने लिए कपड़े बनाएंगे। चलो रंगीला बाबा गॉट लेवल्स। ए भाई ये अल्फा तू मेरे पास से हट को यार, मेरे को अल्फा देख के थोड़ा डर लगता है। चल जो वहाँ से मेरे पास ही मत आ अल्फा भाई, अल्फाओं से बहुत डर लगता है यार। हाँ बेटे रियल वर्ल्ड ऐसी है, ये फेसबुक और व्हाट्सएप के स्माइली इमोजी पे नहीं चलता है रियल वर्ल्ड। किसी को कुछ भी बोल दिया भाई और कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, हाथों लातों से चलता है।
कीबोर्ड की दुनिया से अलग है रियल वर्ल्ड ब्रो। बाहर जाके बोल देगा भाई अबे चल बे अंधे क्या, बस इतने पे देख क्या हो जाता है। यार मैं भी 30 साल साला दुनिया देखा है, मेरे को भी पता है अपने लोगों के अंदर है ना पेशेंस नाम की चीज नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो जानबूझ के लड़ाई करने के लिए वो ढूंढते हैं, तो कुछ बोले भी नहीं फिर भी लड़ाई कर लेंगे बाहर, बिकॉज दे फील कि आई एम डूइंग गुड थिंग्स, आई एम कूल। यार मैं सच्ची बातें बोल रहा हूँ, तुम लोगों को लग रहा है भाई दिस इज मतलब कि फेस ऑफ सोसाइटी, ये अब आज के सोसाइटी की हकीकत है। बाहर जाके तू जरा देख ले, बाहर तो कुत्तों को जरा कूट देंगे लोग अगर जाके यहाँ बाहर पर किसी ने कोई बदतमीजी कर दी। चल यार हो गया यार बहुत हो गया, चल ज्ञान की बात हो, जाओगे पिटोगे तो अपने पता चलेगा। चल निकल यार मेरा, मेरे ख्याल से रुक यार इसको मार देना, थोड़ा सा मीट दे दिए मीट नहीं हाइट दे दिए। हाइड दे रहे मेरे को अपना राफ्ट, वो करना है राफ्ट, राफ्ट रिपेयर करना है। थैंक यू फॉर डिस कनेक्टिंग मी अनिकेत। आर्क वर्सेस एटलस कौन सी गेम अच्छी? आर्क वर्सेस एटलस मेरे से पूछ रहा है या लोगों से पूछ रहा है? अरे बोला ना ये सपनों की दुनिया में जीतता है, वो को एक फ्री का हाइड यहाँ पे फाइट कर रहा है, फाइट करने दीजिए। अबे इन्होंने स्नेक हर जगह जायंट स्नेक ही क्यों पैदा हो रहा है, मर गया यहाँ पे भी जायंट स्नेक, पहले छोटे रैटल स्नेक आते थे ना, जायंट स्नेक क्यों? ओ भाई अरे भाई हाथी चल भाई रास्ता दे दिया तेरे को, चल 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 अल्फा भाई अल्फा भाई, ये सही है साला अल्फा के आसपास ही घूमते रहो समझे, और अल्फा से सबकी लड़ाई कराओ फ्री का हाइट करो मटन मिलेगा। ये सही चीज है, और गलती से अल्फा को मत मार देना नहीं तो अल्फा तो तेरी ले लेगा भाई ले लेगा। सही है भाई अल्फा को ना खड़े लेकर फ्री का हाइट देखो। अबे यार इसकी कितनी हाइट देगा यार मेरे को 32, अबे क्या है 37 43 भाई दिया इसने 43। चलो यार निकलो यहाँ से, चलो सालो सालो। एडमिन को हिंदी में क्या बोलते हो? एडमिन को हिंदी में भाई मेरे को नहीं पता यार, संचालक संचालक हो तो मैं मैनेजर हूँ, एडमिन मेरे को नहीं पता। मैं यहाँ पे थोड़े यार मैं भाई यार भाई बकलोल आदमी हूँ यार, मेरे को ये सब चीज़ें मत पूछो, आई एम जस्ट बकलोल इंसान। चल भाई और क्या तेरे को, तू भी रिपेयर होना चाहता है रिपेयर हो जा, और कोई है रिपेयर वपेयर के लिए? चल तू भी रिपेयर हो जा, तू क्यों रहेगा भाई, तेरे को तो रिपेयर करना ही मांगता है ब्रो, नहीं इसकी लाइफ है तुम लोग लाइफ है। चल चलो पिन कोड लगा हुआ है, पिन कोड लगा हुआ है, वेरी नाइस गाइस। थोड़ा सा मीट डालने का अपन को, मीट डालने का होता है इसके अंदर ताकि खाना बनता रहे अपना एडवेंचर शुरू हो जाए। चल लेट्स गो बॉयज, 20 जो है लकड़ी डाल देता हूँ इसमें, ज़्यादा हो गया 20 मीट के लिए 20 लकड़ी, और थोड़ा सा प्राइम मीट ले लो। चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो बॉयज का। अभी 4-5 बार मरूंगा मैं, रेडी रहना तुम लोग, 4-5 बार मरूंगा मैं, उसके बाद ये सब चीज़ें जो यार हटा दो यार सामने से। चलो तो अपने को किधर जाने का ये बोलो भाई लोग, तुम बस लिखो अपने को,
अपना घर ढूंढने का है, जो कि टाइटल बोल रहे हैं, अपने को अपना घर ढूंढने का है। तो घर ढूंढने के लिए हमारे को जाना पड़ेगा किधर। चल बेटी लेट्स गो, बाय बाय। बस चलना बढ़ना आ गया, जा रहा आ गया, नहीं जा रहा है, चल इधर चल। सालो सालो बाय बाय गाइस, भाई 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 भाई, चल चल चल। सालो बाय बाय आइलैंड, सी यू सून ब्रा। बाय बाय हाथियो बहुत। अबे किधर जा रहा है बे, अबे ये किधर जा रहा है, अबे चल ना सीधा। हवा उल्टे साइड में, इसलिए बेचारा जो तकलीफ हो रही है उसको जाने की। अभी अपन इधर जाने का सीधा। बाय 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 आई आइलैंड, ये देखो बाय बाय आइलैंड। हाँ कहोगे ठीक है, बाय बाय नहीं। ओए अबे टकरा गया इसकी माता। ओए रुक रुक रुक, ओए 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 रुक रुक रुक, ओए ओए किधर से जाओ यार, ये ऐसे कैसे घूमेगा, बोटवे नहीं घूम रहा है यार। हवा जो है, हवा उल्टे दिशा में जा रहा है, हवा जो है उल्टे दिशा में जा रहा है। तो बोट जो है अपने को पहले इधर से निकालने का मांगता है, वो निकालने का मांगता है, फिर जो है वो इधर बढ़ेगा। भाई हमने कहा तेरे को पकड़ा हुआ है भाई, लात तू खाएगा बाहर निकल के, तेरी यही जुबान रही, मेरे बाप का क्या जाता है यार। तुम्हारा काम है लेक्चर देना, हमने लेक्चर दे दिया भाई, अब तू जान, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। 50% निकल रे इस एरिए से, निकलना यार। क्या तेरे को ये आइलैंड इतना पसंद आ गया, सब छोड़ के नहीं जाना चाहता है। चल ये देख ऊपर जो है ना निशान, जो है ना हवा का गति का निशान है, उस चक्कर में ये साला आगे बढ़ नहीं पा रहा है यार। ये हवा सेलिंग कर क्या करूँ यार, सामने तो जा नहीं सकता क्योंकि। चल निकलना यार इस एरिया से, क्या कर रहा है यार। उधर मत जाना, उधर 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 नहीं यार, मेरे को कंट्रोल ही करना, राफ्ट कंट्रोल करना भाई, ये हवा के साथ ना भाई बहुत दिक्कत वाला काम है। अब देखिए टकराने जा रहे हैं, चलना यार एक तरफ चलना भाई, चलना ब्रो ये राफ्ट चलना। ये तो हद हो गई यार, ये राफ्ट क्यों नहीं बढ़ रहा आगे, ये लाल निशान आ गया तो यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हवा जो है अपोजिट मेरे को लेके जाना पड़ा। चल अभी जाएगा, अभी जा रहा है। चलना यार क्या कर रहा है यार, ये राफ्ट कंट्रोल करने में नानी वानी सब याद आ गया। अभी चलता रहे, चलो बाय 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 लो। अभी चल के देखते हैं वेयर वी आर गोइंग। लेट्स गो बॉयज, लेट्स फाउंड समथिंग गुड एंड कूल। चलो चलो चलो, ये साला वापस जाके उधर टकराएगा क्या, मेरे को लग रहा है ये उधर जाके टकराएगा। चलना यार नहीं टकराने का ब्रो, सीधा जाने का होता है। क्या करूँ यार इस हवा का, मेरे को अभी तक थोड़ा सा सबक दिया है। चलना चल यार, उधर ही आओ, उधर ही चल, उधर सीधा ही चल, सीधा ही चल, पहले इस पत्थर से निकल, तू बार बार इधर आके टकराने की कोशिश कर रहा है।
हवा का डायरेक्शन घूम गया। चल 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 चल, व्हाट द फक मैन। चल चल इधर चल, वेरी गुड, सही जा रहा है भाई। ये तो राफ्ट कंट्रोल करना ही साला अपने आप में, मैं तो सोच रहा हूँ मर्चेंट नेवी का कोर्स कर लूँ साला ये राफ्ट गेम में, राफ्ट चलाने के लिए यार। ऐसे थोड़े राफ्ट चलता है यार। चल बहुत दूर जाना है, खाना भी खाना है और 10-12 बार मरना भी है। फुल्ली ओपन राफ्ट, चल स्पीड बढ़ा, चल चल चल, फुल्ली ओपन राफ्ट। तो और डांस दिखा दो दर्शकों को, चलो चलो डांसिंग डांसिंग, चल चलो लेट्स गो बॉयज, फाइंड सम कूल आइलैंड। ये साला देख, ये इस पत्थर से चुंबक की तरह चिपक गया है यार, कभी ना ये बार बार। लेट्स डांस बुलो, डांस 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 डांस, मिस्टर सेलर बुलो, पोपोई द सेलर मैन डांस ब्रो। अरे पोपोई का कैरेक्टर मेरे को बनाना चाहिए था। डांस ब्रो डांस, ए यो ये देवी द ब्रो गॉट मूव्स ब्रो, ए ये नाच बसंती नाच, डिस्को डांडिया। देखो भाई ये डिस्को डांडिया वाला बोट है, इस पे ना जो भी आता है फुल, अब सेल फुल कर दिया ब्रो, तो यहाँ पे जो भी आता है उसको डिस्को करना पड़ता है, भले वो कुछ कर रहा हो ना कर रहा हो। तो सब लोग अपने अपने हाथ में मोबाइल सामने रखो और डिस्को डांडिया शुरू कर दो भाई, दिस इज डिस्को डांडिया गाइस। हाँ भाई ये साला रैप कंट्रोल ही नहीं हो रहा है भाई, मर्चेंट नेवी का वाकई मेरे को कोर्स करना पड़ेगा। और देखो मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं मरने वाला हूँ। फाइनली वी गॉट आवर राफ्ट बैक, और बुढ़ाओ इज स्टिल डांसिंग डांसिंग एंड सो मेनी डांसिंग ही डूइंग डांसिंग डांसिंग डांसिंग, झपक झपाक झपक झपाक। बुढ़ाओ बहुत हो गया, थक गया होगा अभी, क्या है तेरे को प्रॉब्लम क्या है लाइफ में। अच्छा इसकी स्टेमिना जा रही है, थोड़ा सा स्टेमिना छोड़, एकोमोडेशन में एड मोर बेड्स, इम्प्रूव टू अनदर मोबाइल फुल रिपेयरिंग स्पीड एंड रिड्यूस ओवर थ्रू पेमेंट अमाउंट। ये ऐसे कैसे यार, तो वो बेड के लिए क्या चाहिए इसको, एडिशनल वेट 30 है, थोड़ा सा वेट बढ़ा देता हूँ इसको, मेरे को लग रहा है ना अगला जो लेवल होएगा ना इसका वेट बढ़ा देता हूँ मैं राफ्ट का, वेट से भी हो सकता है फर्क पड़ता है। चल भरो चल, बाय बाय स्वीटू आइलैंड्स, बाय बाय स्वीटू आइलैंड्स, सी यू सून गाइस। हेलो एडवेंचर का फुल टू मज़ा ले रहे हैं बाप, चेयर है ना वहाँ पे लगाना चाहिए था मेरे को, तो चेयर है ना गलत जगह लगा दिया। रुक एक चेयर जो है ना इधर से हटा के, पिकअप वुडन चेयर, ये रहा चेयर यहाँ पे सामने लगाओ। वहाँ पे चेयर लगाते हो, चलो ये वही था पाथ पे गाइस, फुल टू मजे लो भाई लाइफ पे। या बेबी गिर बुलाओ, गिर मत जाना, छोड़ यार बंदा तो वैसे प्यास भूख प्यास से मरने वाला, देखते हैं कहाँ लेके जाता है ये। अभी क्या है ना, अभी रात को है ना नाइट में आऊँगा ना, तो बड़ा वाला शिप बनाने का वो करूँगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था ना बड़ा शिप उस समय बनाते ना जब हमारे पास अपना आइलैंड होता, अपना बेस होता, बिना बेस के बनाए ना यार, जहाँ पे खतरा ना हो, क्योंकि बार बार इधर उधर देखते हो मेरे को, उधर पानी पूरा तैर के आओ, वहाँ पे जो पिछला वो सेटअप किया मैंने पानी से तैर के आओ, फिर ये करो वो करो, वो सब सारा हंगामा हो जा रहा है, ड्रामा हो जा रहा है। किसी का बोट है इधर, तो वो चक्कर है यार, बार बार इधर उधर जाना पड़ रहा है, इधर आना पड़ रहा है, वो सब चक्कर है यार। लैग तो होगा यार, लैग तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा हो रहा है यार। तू है ना एंगर मैनेजमेंट, हेलो नेक्सस यार कैसा है ब्रो, वेलकरी हाउ आर यू ब्रो, कहाँ पहुँचा रहा, बोट वोट बना लिया, शिप बनाया, शिप बोट की बोट बोल रहा, बोट पे शिप, शिप बनाया नहीं बनाया बता यार, मेरे को भी गाइड कर दे, मेरे से ज़्यादा वेलकरी खेलता है। लैग
यार इतना लैग चलता है यार, मैं भी स्ट्रीम देख रहा हूँ, इतना लैग चल रहा है। बोला ना वैल्करी को रिप्लाई किया, डू लाइव नेक्सस गेमिंग। हाँ बता ना यार तेरा क्या है, मैं तेरा स्ट्रीम देखने की कोशिश किया, उस पर था ही नहीं यार मैप ओपन। अरे मैप ओपन कर लेंगे ब्रो, पहले कुछ दिखे तो सही। गाना सुनो आई एम हीरो। तो मैं इधर कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं इधर साइड में जा रहा हूँ यार। मेरे को है ना एक साइड में एक मैप है, मैप खोल के रखना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। तो ये कौन सा ये सर्वर है भाई, ये B9 है, मैं B9 में एंटर करूँगा थोड़ी देर बाद, B9 में मैं एंटर करूँगा थोड़ी देर बाद। तो मेरे को ना मैप में कोऑर्डिनेशन भी देखना पड़ेगा कौन सा एक है ना, उस पर एक मैप है इनके साइड पे जहाँ पे है ना पूरे एटलस है, एटलस बोले तो पूरा वर्ल्ड का उसमें नक्शा है, उसमें शायद क्लेम्ड है कि भाई कौन सा ज़मीन क्लेम हो चुका है कौन सा बाकी है। उस हिसाब से मेरे को ना अभी आगे जब शुरू करूँगा ना तो वो मैप खोल के बैठूँगा। बस डर इस बात का है कहीं पर शार्क या वेल अटैक ना कर दे, वेल ने अटैक कर दिया ना तो अपनी तो लग गई भाई, अपनी तो लग जाएगी भाई। भाई मैं अरे कुछ नहीं है, गाना जो है ना इस म्यूजिक बहुत अच्छा जा रहा था तो खैर रुक जा यार, अपने बेड पे स्पॉन हो जाता हूँ। यार तू बता तो यार कुछ बनाया नहीं बनाया वैलकरी भाई, हमारे को तो याद कर लो यार। चलो लेट्स गो बॉयज गो 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 यार, लेकिन मजा आ रहा था मेरे को इस गाने पे जो सेलिंग का जो मजा था ना भाई, मजा आ गया भाई। यार क्या मजा आया भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ भाई अभी लड़की वाली गाली दूंगा तो पता चल जाए। अबे तू है ना बस जिंदगी भर है ना, ये देख B9 में घुसने वाला हूँ यार, क्या हो गया भाई इसको B9। B9 घुसने वाला हूँ, रुक जा यार एजेंट, अगर तू देख रहा है तो रुक यार, तू कहीं और पे जा और स्पॉन हो फिर मैं आऊँगा तो होगा, वो थोड़ा सा आएगा तो मैं भी मर के ना आ जाऊँगा। एक मिनट का कूलडाउन होता है बेड का, एक मिनट का होता है यार। अबे डिस्कॉर्ड मत ज्वाइन करा मेरे, ये वी क्रॉस द वर्ल्ड ब्रो।
थोड़ा सा ग्लिच होता है यहाँ पे। ओ भाई, ओ भाई, व्हाट द फक, क्या ये? अबे नहीं नहीं, अबे डूड, अबे अबे रुक बे राफ, रुक, अबे ये क्या है? ए भाई नहीं 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 नहीं, अबे 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 नहीं 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 ब्रो, अबे मैं साइक्लोन में फंस गया। अबे क्या है? अबे ए भाई निकल यहाँ से डूड। अबे जा बे सेल रोटेट 125, निकल यहाँ से ब्रो। अबे क्या है ये? अबे नहीं, अबे निकल यहाँ से, क्या था ये? अबे निकल यहाँ से साले मेरे राफ्ट। अबे नहीं, फक मैन, गया भाई साहब। अबे स्टॉप 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 स्टॉप। अबे अबे क्या है ये चीज, क्या है भाई? अबे साला राफ्ट भी रुक गया। अबे निकल डूड, चल 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 भाई निकल निकल, मरना होगा मरेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अरे रुक रुक, अबे नहीं 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 नहीं, साइक्लोन में, साइक्लोन में नहीं नहीं नहीं। अबे निकल जा निकल जा निकल जा, हाँ हाँ निकल जा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, निकल। अबे नहीं यार अंदर मत घुस, ओ भाई बहुत डैमेज दे रहा है ये, निकल बे बाहर निकल इस साइक्लोन से। बहुत मुश्किल से बोट बनता है रे, बहुत मुश्किल से बोट बनता है भाई, निकलना। गया भाई, ओ माय गॉड भाई मैं हूँ कहाँ पे? ओ फक, रुको यार एक मिनट, डिस्कॉर्ड पे क्या था ये भाई? एक सेकंड पर डिस्कॉर्ड जारी कर लोगे। साइक्लोन से निकल गया भाई मैं, कहाँ गया भाई तू? ये तो बस चुप से। ओह भाई साहब क्या था ये? मैं वापस यहाँ पे आ गया यार। अच्छा ये एरिया जो है ये साइक्लोन वाला एरिया है, देखो रेड मैंने देखा नहीं, दिखाया नहीं मेरे को रेड, तो ये साइक्लोन को। ये देखो ये एरिया जो था ना भाई, और निकल बे, निकलो यहाँ से भाई साहब। हेलो, हाँ भाई बोलो। हेलो, अरे आप कौन से सर्वर पे? मैं सर्वर भाई, मैं सर्वर ट्रेवल कर रहा हूँ। या फिर यूपीवी? हाँ मेन कौन सा सर्वर है मैं पूछा, ईयू क्या एन है किस पे? वाह ईयू ईयू यू पे एक्चुअली क्या है ना, देखो होता क्या ना, सुनो बेड है मेरे पास राफ्ट पे, ठीक है? तो बेड का जो टाइमर है ना वो एक मिनट का होता है, यानी बारी बारी से एक एक मिनट पे ना बंदे लोग है ना इनवाइट के बाद बेड पे आ जाएंगे। ठीक है चलेगा, ठीक है। तो ये बताओ कौन सा ग्रिड? हां अरे B9 में तो अभी घुसा था, साइक्लोन में फंस गया था ब्रो, तो मैं निकल गया उधर से साइक्लोन से। अब ये बताओ ना EU का PvP पे घुस सकता है क्या? HOD का जाके YouTube पे टाइप कर, HOD जाके देखो पहले उनका वीडियो जो पे कहाँ पे है 2 दिन के अंदर में।
भाई साहब दे आर डूइंग फॉस फाइट भाई, फॉस फाइट कर रहे हैं साले, वो कैनन लेके घूम रहे हैं उसके उसके शिप पे साला 20-20 कैनन है, जो भी मिलता है सीधा धाड़ धाड़ हो रहा है वहाँ पे। पीवीपी में सर्वाइवल मुश्किल है भाई अभी, जब तक नया सर्वर नहीं आता। पीवी में आ जा, कोई भी सर्वर पे स्पॉन हो जा, जहाँ पे मतलब इजी स्पॉनिंग हो, मैं भी आ जाता हूँ, इनवाइट कर लूँगा। एक एक मिनट के बाद है ना हम लोग राफ्ट पे आ जाएंगे भाई। अभी साइक्लोन में फंस गया था यार मैं। करंट सर्वर बताओ, हम उधर ही आते हैं ना। अरे मैं अभी समुंदर में हूँ, करंट सर्वर क्या बताऊँ, मैं भी सुसाइड कर लूँगा ना यहाँ पे, तो फिर कौन से। अरे अरे किसी भी सर्वर में आ जा, सुसाइड कर लूँगा, आ जा B7 चलो आज कहीं भी जा भाई साहब। अरे सॉरी सॉरी B7 साइक्लोन। अबे B7 छोड़, मैं एक बात बता रहा हूँ, तू M5 पे आ, ठीक है M5 पे आ, वहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग स्टेशन डाला हुआ है, इसको यहीं पे छोड़ता हूँ, मैं सुसाइड करता हूँ बोट यहीं। M5 नहीं नहीं वो M5 आ गया ना, M5 में मैंने वहाँ पे ना राफ्ट एक नया बनाया हुआ है, ठीक है, और अपना एक छोटा सा स्टेशन भी बनाया है। मैं तो ट्राइब में था, मेरे को निकाला। अरे नहीं निकाला ना, मेरा कैरेक्टर जो था ना वो रीसेट हो गया ना, ठीक है। तो यहीं पर थे क्या पिछली बार? नहीं पिछली बार यहाँ पे नहीं थे। तू M5 पे आ जा, मैं भी वहीं पे मर के वहीं पे आता हूँ। ये मारना मेरे को, मारो ना यार, दो इतने डॉल्फिन है, मारना डॉल्फिन कहीं के, मारो सालो। M5 पे आ जाओ, वहाँ पे अपना राफ्ट भी बनाया हुआ है। हेलो लाइन शिप, देखो इनका शिप देखो, ये चोटी देख रहा है ना, ये चोटी देख रहा है ना भाई, वो देख है चोटी, बॉस फाइट फायर एलिमेंटल से लड़ रहे हैं वो लोग, उनके कपड़े देख, Tier 3 कपड़ा है उनका। तू इसमें तू बोल रहा है पीवीपी में जाऊंगा मैं, एक ही सर्वर है पीवीपी का भाई। हेलो लायन गेमर कैसा है भाई, लायन भाई तुषार जुजुर होगा दीपांकर बैठ है भाई, दीपांकर साहब कैसे, रुको मैं सुसाइड कर रहा हूं M5 पे। मैं मर गया, कैसे मर गया मैं, आई हेट ट्विस्टर्स भाई, मैं भी तो ट्विस्टर से बच के आया हूं। पूरा डे वेट, कहां स्पॉन करूं मैं? M5 पे आ जा, M5 पे। M5 पे कहां पर स्पॉन करूं? रुक ना मैं तेरे को एक मिनट, एक डिस्कॉर्ड पे तुझे मैं फोटो भेजता हूँ, ठीक है, उस फोटो पे आ जा तुम लोग, मैंने फोटो खींच के कल रखा था, तो मैं एक मिनट फोटो भेज दे दो मेरे को M5 पे। अच्छा मैं भी आ ही गया तो स्पॉन हो जाता, होम रीजन M5, ठीक है मैं रिस्पॉन टू होम कर लेता। नहीं होम सर्वर जो है ना चेंज करना पड़ेगा, रिस्पॉन पे अगर किसी और सर्वर पे हो ना तो M5 करोगे, ठीक है। मैं M5 पर आया हूँ, M5 हाँ M5 पे हो ना, तो उधर किसी के बेस उसके पास रुको, एक लंबा सा एक है ना टावर होगा एक लौता जिसके ऊपर लाल कलर का पेड़ है भाई, क्या तगड़ी कपड़े इनके पास। अबे वो Tier 3 आर्मर्स है ब्रो, मेटल आर्मर्स हैं उनके, लॉन्ग नेक शॉटगन सब कुछ है। थोड़ा आगे बढ़ के देख, वो लोग जाके उधर बॉस फाइट कर रहे हैं भाई। बॉस फाइट कैसे करेंगे, डायनो तो होते नहीं इसमें। बहुत तरीके है, कैनन मारो वो मारो, भले मारा नहीं इन्होंने निकल लिया, लेकिन सारे मैक्स लेवल 51 पे हैं सारे। उनका शिप देखना, शिप भाई सबसे बड़ा शिप है वो। रुको यार मैं जरा पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ अपने बेस पे। तू अपना एम दबा के कोऑर्डिनेशन बताओ गाइज, मैं भी आने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी हूँ 6442 पे, तो अपना जो बेस है ना 6444 के पास है। रेयर गेमिंग ब्रो ज्वाइन माई सर्वर, आई हैव बिग कैनन शिप 38 क्रूज। डूड वी आर ट्राइंग टू लर्न दिस गेम एंड वेटिंग फॉर ग्रेप स्टूडियो लॉन्च अनदर सर्वर, देन वी विल डेफिनेटली मूव। Actually, we are just trying to learn the game. अभी सीख रहा हूँ यार, सीख रहे हम लोग सारे। PvP जाएंगे? हाँ, अबे तो ये सर्वर फुल है ना? ये सर्वर में कहाँ कोई जीने नहीं दे रहा है यार। मैं गया था, मेरे पीछे 20 लोग पड़ गए थे भाले लेके भाई, स्पॉन पे बैठे हुए थे, दौड़ा दौड़ा के लोग को मार रहे हैं। उनका सामान क्लेम कर रहे हैं, इसमें पागल कुत्ते ने काटा है, फ्रस्ट्रेशन में कहा यार। 6444 पे आना है, ठीक है।
M5 पर। मैं कहीं पे तो स्पॉन हुआ एक पत्थर के पास। पत्थर छोड़ के वो 60 एम दबा के देख कहाँ पे पोजीशन अपना बता यार। रेयर गेमिंग डू यू स्ट्रीम 54 माइनस नहीं 64 44 पता नहीं चलता यार 64 है भी किस तरह। अबे तू कहाँ पे अपना पोजीशन तो बता। 54 माइनस 39 भाई तू बहुत पल्ली साइड आ गया। पल्ली साइड 54 पे है ना। रुक जा रुक जा 54 देखो 54 किधर मिलेगा। तो क्या है पूरा बताओ वापस से कोऑर्डिनेशन। 54 माइनस 39 माइनस 39 54 यार नो एक मिनट देख रहा हूँ मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा। अच्छा मैं ना लिख रहा हूँ हाई लिख रहा हूँ ठीक है। भाई तू एक काम कर वापस मरना। ऐसे साडेड सास ऐसा नाम है हाई लिखा है बहुत बड़ा। भाई आया क्या भाई तू रुक जा दो मिनट। क्या नाम है साडेड। भाई तू गलत सर्वर में तो नहीं है ना। यहाँ पे अभी तक तो तेरा कुछ भी मैसेज से नहीं आया। बड़ा सा हाई है कोई बेनबू वर वी कंपनी चैट कर रहा है जरा देख तो कौन और चैट और कौन कौन कर रहे हैं बता मेरे को। कैप्टन कोड पीस नहीं तो दूसरे सर्वर में स्पॉल हुआ भाई। तू M5 में नहीं M5 में आना है वो तू दूसरे सर्वर में M5 मरो। मरने के बाद नीचे आएगा होम सर्वर चेंज का ऑप्शन फिर हाँ? वापस तू वर्ल्ड मैप पे चला जाएगा M5 दबा उस पे। जियोन जनरल में फोटो भेज जाता हूँ देखो थोड़ा जनरल में भाई मत भेजो यार लोग प्रमोट करने लगे जनरल में। यूटी रेयर गेमिंग डू यू स्ट्रीम जियो नो ब्रो आई एम नॉट स्ट्रीम। सर जब मरने के बाद है ना वो अबे सांप मार रहा है देखो हाय आया क्या बड़ा सा। चल मैं भी सुसाइड कर रहा हूँ। अबे सुसाइड करने का नया कैरेक्टर क्यों बनाना पड़ता बात। नया कैरेक्टर भाई तू नया कैरेक्टर सेलेक्ट कर रहा हो। ये कौन है पाथफाइंडर नोमैड कौन है। मैं हूं। अच्छा कहाँ पे है स्पॉन हुआ अपना लोकेशन बता दे। मैं मरने वाला हूँ स्पॉन हो रहा हूँ। स्पॉन हो जा। तेरा लेवल क्या है भाई सागर। अभी अभी आया भाई सागर। क्या तेरा लेवल क्या है पता नहीं जब भी मरता हूँ नया कैरेक्टर बनता है मैं। हाँ तू फ्री भाई तू फ्री पोर्ट में होगा। फ्री पोर्ट में साला वो बग है फ्री पोर्ट में है तू। तू मरता फ्री पोर्ट क्या होता है भाई फ्री पोर्ट ईयू। हाँ मैं देखो ईयू सीरन कॉल लॉलेस रीजन ठीक है इस पे हूँ। अबे तो M5 पे आना है ना जब तुम होम स्क्रीन पे जब जाते हो ना तो नीचे साइड में है ना जो मैप्स बने हुए छोटे छोटे आइकन्स बने हुए ना वहाँ पे सबसे नीचे साइड में एक सिप का आइकन बना हुआ है। सिप के बगल में चेंज होम सर्वर है वहीं पे आओ। बार बार यहीं पे पैदा हो रहा हूँ यार। अबे तो चेंज होम सर्वर चेंज करोगे तो सिलेक्ट करोगे ना ब्रो। होम सर्वर कैसे होम सर्वर से चेंज करते हैं। अबे तू मरता है मरने के बाद एक स्क्रीन खुलता है तेरे को स्पॉन का। अबे मरने के बाद स्पॉन का स्क्रीन आता है ना। अभी वापस स्पॉन हो गया मैं ना। अबे तो चेंज करो ना होम सर्वर तू कर ही नहीं है। अबे कहाँ पे ये भाई अजीब सी जगह में मुझे समुंदर में फेंक दिया। मैं भी समुंदर में भटक रहा हूँ यही बहुत बुरा लगता है समुंदर। 64 42 हाँ 64 42 है ना। हाँ तो वही 64 44 पे आ।
थोड़ा ध्यान से सांप उप होंगे, मैं भी थोड़ा जी। भाई, अरे मैं तो मिस्ड हो गया यार, यहाँ मैप ही लोड नहीं हो रहा है, मेरे को पूरा मैप के अंदर का दिख रहा था, अभी ये मैप ही लोड नहीं हो रहा है यार। ये देखो गाइस, मैं पूरा देख सकता हूँ यहाँ पे समुद्र के अंदर, वहाँ मिलते 64-44 पे आ रहा है लाइव स्ट्रीम ऑफ पबजी। मैं अभी शायद मैं बहुत दूर स्पॉन हो गया, मेरे को लग रहा है इसने 66-37 में भेज दिया मेरे को, कमीना गेम, इससे पहले 64 पे ही आया था मैं, 64-42 पे एकदम से तेरे स्पॉट पे, मैं 54 पे आया वापस से। तू अपना सर्वर चेंज कर, सर्वर होम सर्वर जब तक चेंज नहीं करेगा तू 50 पे भटकता रहेगा। वापस आओ ना तुम, आओ मैं आ रहा हूँ भाई। अच्छा मैं मरा, गाइड करो, मैं मर गया हूँ, मर गया ना, तो जो स्क्रीन खुलता है ना उस पे नीचे जो बटन होता है स्पॉन वाला जैसा, हाँ तो स्पॉन वाला जो बटन है चेंज होम सर्वर, हाँ मैं न्यू होम सर्वर, वहाँ पे चेंज होम सर्वर पे क्लिक कर उस पे आ जा। M5 ये पीछे कौन है मेरे, M5 ना, हाँ M5, अरे मैं तो पानी इसको मैं होम सर्वर कर रहा हूँ, हाँ इसी को होम सर्वर कर दो तो अपने आप वो सेलेक्ट करेगा, M5 पे स्पॉन होगा फिर। दूध ये तो लैग भाई, लैग है यार पता है मेरे को, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश यार, प्रो गेमर भी तो बांग्लादेश है, रुक जा यार मेरे को बहुत दूर, बहुत दूर दूर स्पॉन हुआ हूँ यार, ये इनका स्पॉनिंग अभी तक फिक्स नहीं हुआ, आज एक और साला पैच आने वाला है अभी तो। अबे कल हम लोग अपने ही बेड पे स्पॉन नहीं हो रहे थे, मैं भविती भाई फंस गए रात को दोनों, मैं एक शिप के पास स्पॉन हुआ हूँ पानी में, तू भी शिप के पास है, जरा अपना बताना कोऑर्डिनेट्स, सीढ़ियां वाली है ना, हाँ हाँ कोऑर्डिनेट बता, 64-42 मैं चढ़ना सीढ़ियों के, आ जाना शिप पे, मैं तो कोऑर्डिनेट बता ना 64-42 पे हूँ मैं भी। अबे तुम दोनों 64 पे और मैं ही साला दूर स्पॉन हो गया यार, मरने कौन है, भूसा तू मार रहा है, नहीं नहीं पानी में तू था क्या बीबी, हाँ शायद हाँ, रुक रुक जा यार मैं मर के वापस 64 पे आता हूँ, ये मेरे को गेम ने कहीं और स्पॉन करा दिया था, कौन मार रहे मछली, मार मेरे को ये मछली, ना मैं पानी में अभी भी एक किल में, किल में पानी से ऊपर आ रहा, ये टूटा किल में, ये टूटा वो शिप के पास आ रहा है जल्दी है, मैं भी आ रहा हूँ, रुको यार मैं बहुत दूर स्पॉन हो गया हूँ। अबे जो डैमेज दिख रहा है क्या एजेंट, डैमेज दिख रहा है देखो, नहीं जीवन देखो जनरल में देखो, फोटो व्यूअर दिख रहा है देखो, अब वो बंदा है कोई वहाँ पे, रुको यार मरने दो मेरे को, तू कूद रहा है क्या, तू कूद रहा है, वो तू कूद रहा है, कूद 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 अभी कूद अभी कूद अभी कूद तेरे कूद तेरे, हाँ हाँ तू है, अबे ऊपर कैसे आऊं बे मैं, ठीक है अजीब तरीके से भागता है, अबे ये साला कोई है बंदा यार, एजेंट मेरे सर के पास करके बैठा हुआ है यार, देखा पड़ा मैंने, अब क्या मैं क्या रिपीट करूं, नहीं नहीं नॉर्मल नॉर्मल नाम क्या दिखा रहा है, अबे नहीं बे मेरा नाम वो है ना कोई, वही मेरे को लग रहा है बंदे है, कुछ बंदे है पीछे पड़े हुए, आके गाली गलौज लिख के जाते हैं, वही है सागरों में ट्राइब में तुम का रियर गेमिंग, माय नेक्स्ट चैनल इज रॉन गेमिंग, नेक्स्ट चैनल इज रॉन गेमिंग, नहीं समझा भाई, रियर गेमिंग आओ जियो मोर, अरे मर रहा हूं मैं, बहुत दूर पैदा हुआ हूं, शिप है बड़ी सी उस पे आ जाओ, भाई पता नहीं यार तुम सच्ची के रो रहे हो कि नहीं, आई डोंट नो ब्रो, यहाँ पे कोई कोई, कोई 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 किसी का भाई नाम ले सकता है, हाँ भाई मैं आ गया हूँ, मैं तुम लोग के पास ही हूँ, 64-42 ना, कहाँ पे हो तुम लोग, शिप पे, अरे शिप पे, शिप दिख रहा है, आ रहा हूँ थोड़ा पानी दूर, थोड़ी दूर पे आ गया मैं, आ जो बड़ा सा वो शिपयार्ड में ना जो खड़ा है, हाँ हाँ देखो मैं कूद रहा हूँ, अरे नहीं आ गया मैं, उधर आ रहा हूँ मैं, पानी में गिर गया था, रियर भाई तो रॉन गेमिंग अगर तुम्हारा अगर दूसरा चैनल है तो तुम्हें जरूरत ही नहीं थी दूसरा चैनल, अबे यार साफ है यार यार जरूरत ही नहीं तुमको यार बनाने के लिए, क्या जरूरत है तेरे को यार बनाने की दूसरा चैनल, भाई रॉन गेमिंग के पास इतना थोड़ा टाइम है कि जाके लोगों को बोल सके यार कि मेरा चैनल है ये,
मेरे को जहाँ तक पता है रॉन का एक ही चैनल है यार, रॉन गेमिंग के नाम से। चलो आ गया यार, हाँ एफ एफ टू दबा डांस करो ब्रो। यू बैटल विथ माय क्रू, यू बैटल विथ माय क्रू। कौन है भाई पता नहीं, वो आ गया, आ गया जियोन, आ गया जियोन, आ गया जियोन, आ गया। कहाँ कहाँ तू, ये कौन है काली औरत, कौन है बे तू? ये ठीक है मारा बैकअप, यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश करी है, बैकअप बेस क्या हमारा है? नहीं नहीं ये नहीं, ऑफलाइन भाई रिफ्रेश कर लो भाई, इतना टाइम नहीं यार अपने पास। इसमें गामा वुमा होता है क्या? नहीं हाँ नहीं गामा नहीं है एकदम, एस्केप दबा के, एस्केप दबा के गामा करे, गामा होता है। हाँ, एस्केप नहीं, एस्केप के नीचे वाला। हाँ एस्केप दबाएगा ना तो उसके नीचे आएगा गामा का, एस्केप के नीचे वाला है ना। हाँ देख रहा हूँ बड़ा सा बटन है, सेल लैग। हाय इधर तो ये कर रहा है क्या इधर? हेलो माय फ्रेंड, हेलो माय फ्रेंड, हाय 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 हाय। अबे सब कमीने लोग हैं यार यहाँ पे, ध्यान से। हेलो माय फ्रेंड, कोको चल वो सामने जो लाल कलर का वो दिख रहा है, वो लाल कलर का वो सामने, वो ऊपर टॉप पे जो खंबा जैसा है पिलर है स्टोन का, वहीं पे हो जाना है। मैं मार क्यों रहा हूँ, इसको भूख लग रही है तगड़ी वाली। अबे तो कुछ मार के नहीं जा सकते भाई, ये दिक्कत क्या है ना कि तुम लोग जब इस लॉलेस एरिया में हो ना, यहाँ पे बेड काम नहीं करता है। बेड पे पैदा होने के लिए ना, एक्चुअली मैं इस तुम लोगों इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना कि यहाँ पे थोड़ा सा एक और राफ्ट बनाऊंगा, सिर्फ उस पर बेड लगाना है। तो यहाँ पे ना बिल्ड कर सकते हैं छोटा सा बैकअप के लिए, सामान वामान सिप उप बनाने के लिए। तो इसमें इन्वेंटरी में कैसे जाते हैं? सेम है, आर्क खेला है ना, काम नहीं कर रहा, वी दबा रहा हूँ काम ही नहीं कर रहा। ई आई जो होता है, ई कब हो गया भाई? ई नहीं वी था ना, वी वी कब से हो गया भाई? अबे कौन सा वी, कौन सी दुनिया में है तू भाई? मैं तो वी दबाया करता था आर्क में। हाँ अबे आई है भाई, मैं वी दबाता था। अच्छा मैंने की बाइंड चेंज किया था क्या? वो फटाक से मतलब आर्मर वार्मर पहनने के लिए ना, कूद के उसके लिए। अबे मेरी बॉडी है एप्स क्या है बॉडी? आज थोड़ा सर्वर में लैग कम है। लैग कब है भाई? सर्वर में लैग नहीं है आज, समझा? अबे मैं भटक गया रे, सब कुछ आर्क की तरह है भाई। बेड लगाया राफ्ट पे, राफ्ट पे बेड है लेकिन दूसरा बेड नहीं लग सकता शायद, उसका मेरे को वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो मर जाओ बारी बारी से, और एक एक मिनट बाद है ना, एक एक मिनट का काउंटर है, बेड पे आएगा सबसे पहला ऑप्शन, बेड पे स्पॉन का आएगा, तो एक एक मिनट बाद मर के आते हैं, ठीक है? चलो वेट कर रहा हूँ मैं मरने का भाई। ये यू वो जो बंदा है ना यूटी यूटी, वो युग नागरू ही है, समझे ना? युग नागरू ही है और कोई नहीं है। अभी चलो मैं राफ्ट लेके निकल रहा हूँ, बाय बाय। मैं मर गया, मैं जैसे ही स्पॉन किया और मैं मर गया। कैसे पता नहीं, सी सिकनेस हुआ रहेगा और क्या। अबे तो स्पॉन हुआ ना वो, तू मरा। अबे ये तो क्रैश ही हो गया, तो मरेगा नहीं, पानी में गया। हेलो 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 हेलो, हे मैन, हे मैन। हाँ आ गया, मैं राफ्ट पे आ गया। हे हेलो, मैं क्रैश वाला, हेलो ब्रो ब्रो ब्रो, मैं क्रैश हुआ। हाँ एक मिनट तक कूल डाउन है जाना, और आ जाओ तुम भी। हाँ आ जाता हूँ मैं थोड़ा, मैं क्रैश हुआ। कितना मस्त दिख रहा है यार, तुम्हें पता है एक बात, स्पॉन रीजन है ना हमारा, वहाँ पर लैग ज्यादा है और बाहर के उसमें। हाँ हाँ इधर बहुत कम है, उधर अंदर बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन और स्ट्रक्चर देखना, बहुत ज्यादा लोगों ने बिल्ड कर रखा है यार, मैप में है यार। हमारे को ना एक नया वो बनाना पड़ेगा। देख मेरे को ना कूल डाउन दिखा रहा है, रिस्पॉन एट बेड कूल डाउन 3.20 लगा।